तो हम क्या बात करते हैं, नो योर कस्टमर। अच्छा, तो नो योर कस्टमर में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम सर्विस बेस्ड बिजनेस में जब होते हैं तो मामला थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे सर्विस बेस्ड बिजनेस में रेपुटेशन जो होती है, वो जो लोग आपको आ रहे हैं और लोगों का जो एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है उस बेस पे आपकी रेपुटेशन होती है। उसके अलावा आपको ट्रायल्स देने पड़ते हैं समटाइम, ठीक है। शुरू में आपको कुछ फ्री पैकेज देना पड़ता है। व्हाट इज हैपनिंग? ओके, आई एम कनेक्टेड आई थिंक। अच्छा, तो शुरू में आपको कुछ ना कुछ ट्रायल्स देने पड़ते हैं, कुछ फ्री ट्रायल आपको देने पड़ते हैं शुरू में, जिससे कस्टमर आपका क्या होता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अच्छा, ये तो बात हो गई, एक नो योर कस्टमर का एक पॉइंट हो गया ये। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कि यार आप अब इतना कस्टमर को जान लिया ना, आप थोड़ा अपने बारे में भी आप जान लें कि आप कितने पानी में हैं। देखें, आप जब काम करते हैं ना, किसी गोरे के लिए जब आप काम करते हैं, तो गोरे आमतौर पर ना बड़े मासूम होते हैं, शरीफ होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो उनके पॉलिटिशियन बड़े कमीने हैं, वो बात अलग है, लेकिन आमतौर पर जो जनरल जो पब्लिक है उनकी, वो बड़ी मासूम होती है। अच्छा, तो आम तौर पे ना, जब हमारे बंदे जब उनके साथ काम करते हैं ना, तो उनको बड़ा दिल करता है कि यार इसको तो हम 2 मिनट में चूना लगा सकते हैं, ठीक है। हमारे बच्चे बच्चे बड़े तेज़ होते हैं, क्योंकि हम बचपन से इस तरह के माहौल हमने देखा होता है कि हर कोई एक दूसरे को चीट कर रहा है, तो हम बड़े शार्प होते हैं इस मामले में, तो हमें पाकिस्तानियों को आसानी से कोई चूना नहीं लगा सकता। अच्छा, ऑन अदर एंड वो इस तरह के माहौल में नहीं पले होते, तो वो शरीफ होते हैं थोड़े, उनको पता नहीं होता इतना। अच्छा, तो देखें, जब भी फ्रीलांस में आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये मैं आपको बिज़नेस का दीन बता रहा हूँ कि आपका इस्लाम आपको बिज़नेस करने का क्या तरीका बता रहा है। देखो, हम आमतौर पर कहते हैं ना, यार इतने ज़्यादा महंगी सब्ज़ी बेच रहा है तो हराम है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि महंगा माल बेचना गलत नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये पेन है, अब ये पेन मैं 10,000 रुपये में, हालांकि इसकी कीमत शायद 20-25 रुपये से ज़्यादा की नहीं है, चलो इस पे ये हैंडमेड है, थोड़ा नाम वाम लिखा हुआ है, तो चलो 100 रुपये, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू। लेकिन अगर ये पेन मैं किसी को 10,000 में भी बेच देता हूँ ना, तो मुझे मेरा दीन मना नहीं करता, वो कहता बेच दो, ठीक है, कोई अगर लेता है तो दे दो उसको। मिसाल के तौर पर मैंने आलू ख़रीदा 10 रुपये किलो, अब मैं उसको 10,000 रुपये किलो भी अगर बेच दूँ ना, तो मुझे इस्लाम मना नहीं करता इस चीज़ से, ठीक है, इस्लाम कहता बेचो भाई। अच्छा, लेकिन झूठ बोल के नहीं बेच सकते आप, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर 10 लोग बैठ के आलू बेच रहे हैं, बाकी लोग 10 रुपये किलो बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं 10,000 रुपये किलो बेचूंगा, तो आपसे कोई लेगा ही नहीं अल्टीमेटली, ठीक है। तो इसी तरीके से, अच्छा नहीं, लेकिन दूसरी चीज़ इसके अंदर एक फैक्टर और भी है, कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी मार्केट से आलू खरीद के अपने पास स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं चल कहीं और मिलेगा ही नहीं तुझे, मुझे सही लेना पड़ेगा, ठीक है, और वो फिर महंगा बेचते हैं, तो ये ज़खीराअंदोज़ी कहलाती है, ये तो मना है, ठीक है ना। ये मतलब अल्लाह ने जो बंदे के लिए सब्जियां उगाई हैं, वो आप अपने पास भर के, और बंदों को कह रहे हो कि यार मेरे से महंगा, तो ये ज़खीराअंदोज़ी तो सरासर जुल्म है ये, और इस ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, लेकिन आप अगर नॉर्मली बैठे हैं, आप जितनी मर्ज़ी पैसे लें बंदे से, ठीक है, कोई इसमें मना नहीं है। इसी तरीके से जब आप फ्रीलांस में जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बावजूद इसके कि आप किसी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अगर एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अच्छा इसमें देखें वही अगेन बात है, काम जितनी भी देर का है, मिसाल के तौर पे 2 घंटे का काम था, जो काम मुझे सामने से मिला क्लाइंट के पास से, वो 2 घंटे का काम था। अब मैं उसके 20 रुपये लूँ, $200 लूँ, $2,000 लूँ, या $2,00,000 लूँ, ये इससे मुझे कोई मना नहीं कर रहा मेरा दीन, ठीक है। वो कह रहा है भाई लो जितने में, अगर अगले की मतलब इतना ज़्यादा पैसा है अगले के पास, या आपके अंदर कोई बहुत ही सुपर टैलेंटेड है, आपके अलावा दुनिया में कोई काम ही नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही छोड़ दी सबने, तो ठीक है, मसला नहीं है। लेकिन अब आपने वो $200 में किया, $2,000 में वो कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन अब जब आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो पूरी ईमानदारी के साथ आपने वो चीज़ डिलीवर करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पैसे ले लिए और फिर आप काम करके नहीं दे रहे उसको। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इंडिया से ख़ास तौर पे बहुत बड़ी इस तरह की जो है ना तादाद रिपोर्ट होती है अक्सर, जो क्या करते हैं कि जो है ना वो पैसे वैसे ले लेते हैं, उसके बाद वो क्लाइंट को ना ऐसे बात करते हैं क्लाइंट से, जैसे लगते हैं कि वो इसने उसको हायर किया है।
अच्छा, और पाकिस्तानियों में भी कुछ, और पाकिस्तानियों में भी कुछ ऐसी तादाद मौजूद है जो ये चीज़ करते हैं। तो प्लीज़, अगर आप फ्रीलांस बिजनेस में आने वाले हैं, अभी तो अभी एंटर होने की बात शुरू नहीं हुई, अभी तो ये सारी तमीदी गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अगर आप फ्रीलांस बिजनेस में आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं या आने वाले हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ मत कीजिएगा। आप जब भी किसी से कॉन्ट्रैक्ट करें तो सिर्फ उसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करें जो आपको आती है, ठीक है? ऐसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट प्लीज़ आप ना करें जो आपको आती नहीं है, जिसमें आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं है। इस तरह की चीज़ की कॉन्ट्रैक्ट प्लीज़ आप ना करें। और वंस अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ज़्यादा पैसे लें आप, कम पैसे लेने की तो बात ही नहीं हो रही, आप कम पैसे लें ही नहीं, आप ज़्यादा लें, ठीक है? मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसे लें, ठीक है ना? इंशाल्लाह अगर आपके अंदर इतना टैलेंट होगा तो आपको मिलेगा, नहीं होगा तो वो कहेगा ठीक है यार, आपका पैसे ज़्यादा बता रहे हो आप, मैं किसी से और से करवा लूँगा, यही होगा। लेकिन वंस अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, चाहे वो 2,000 का काम था, आपने गलती से 20 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो काम आपको करके देना है, ठीक है? उससे अगर आप पीछे हटेंगे तो इससे पाकिस्तान का भी नाम ख़राब होगा, आपका अपना भी नाम ख़राब होगा। कल को जब बंदा वो किसी पाकिस्तानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, वो डरेगा, उसको पता होगा कि यार ये ना मिस कमिटमेंट करते हैं ये बंदे। अच्छा, अभी बल्कि लास्ट वाला जो सेशन हुआ था उसके बाद ना, किसी दोस्त ने मुझसे लाइव देख के जो है ना, फिर बाद में मुझसे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, वो मुझे पर्सनली जानते थे इस वजह से कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा कि यार इंजमाम भाई, आजकल मुझे नोटिस में आ रहा है मेरे कि सब लोग फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं फ्री में। मतलब फ्री का मतलब है कि वो बातें कर रहे हैं कि फ्रीलांसिंग करो, क्यों नहीं कर रहे, इस तरह वाली बातें कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार सब लोग अगर फ्रीलांसिंग करने लग गया तो फिर हमारा क्या होगा, क्योंकि वो खुद भी फ्रीलांसर है ना फुल टाइम। उन्होंने कहा यार हमारा क्या होगा, हम कहाँ से, हमें फिर काम कौन देगा, ये सारे बच्चे ये तो कम पैसों में काम करेंगे। तो अच्छा, पाकिस्तानियों को ये डर बहुत रहता है, हर बिजनेस में रहता है ये डर। उनको लगता है कि अगर यही काम 10 लोग और करने लग गए तो फिर मेरी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो वो उनको लगता है मेरी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम तो पैसे भी ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे और ये बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैंने उनको जवाब दिया, वो मैं आपसे भी, अभी मुझे याद आ गया, मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। देखो भाई, पाकिस्तान जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में इनविजिबल है। पाकिस्तान की जो वैल्यू इस वक्त एक आम अमरीकी जो शहरी है, उसके ब्रेन के अंदर पाकिस्तान की जो वैल्यू है ना इस वक्त, वो इराक, ईरान और अफगानिस्तान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है? उनको उनके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि पाकिस्तान में कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा होगा। बाज़ औक़ात जब यानी उनसे बात होती, जाहिर है जब काम करता है बंदा तो थोड़ा फ्रैंक हो जाता है, फिर इधर उधर की बातें भी होती हैं, तो वो अब बताते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं था कि वहाँ पे ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। हम जब अपनी चीज़ें शेयर करते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, हम ये वाले सेमिनार्स कर रहे हैं, हम इस तरह के इवेंट्स कर रहे हैं, और जो भी डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रही हैं, जब उनसे वो शेयर की जाती हैं तो वो अमेज़ हो जाते हैं। तो भाई जितने ज़्यादा लोग ये करेंगे ना फ्रीलांसिंग, तो उससे नुकसान नहीं है, उससे तो बड़ा फ़ायदा है। और फ़ायदा यही है कि ज़ाहिर है जब आप लोग फ्रीलांसिंग करेंगे और गोरों के साथ काम करेंगे, उनका अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो उनको ये पता चलेगा कि अच्छा यार पाकिस्तान में भी फ्रीलांसिंग होती है, पाकिस्तान में भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं। और यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि उनका जब भी वो आपके साथ काम करें तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो। यानी बड़ी ख़तरनाक सी धूप आ रही है एक छोटा सा वो झिरी में से। मैं सोच रहा हूँ मैं इसका क्या हल करूँ, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ इससे। चलो भाई, मैंने अपनी चेयर ही मूव कर ली। असल में हम फ्रीलांसर्स हैं, हम काम करते हैं ज़्यादातर रात को, तो दिन में मुझे पता नहीं था कि यहाँ से इस तरह धूप भी आती है। अच्छा, क्योंकि टाइम का डिफरेंस होता है, जाहिर है अपने कस्टमर को कंफर्ट तो देना है ना। अच्छा, तो अब जैसे ये नो योर कस्टमर की बात है, मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी सर्विस बेस्ड बिजनेस है भाई, जब तक आप सामने वाले को कंफर्ट नहीं देंगे वो आपसे क्यों काम करवाएगा, ठीक है? तो सामने वाले बंदे को पूरा कंफर्ट देना होता है अपने, ठीक है? उसको इतना कंफर्टेबल हो, जब एक दफ़ा वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले, उसको पक्का पक्का ये पता हो, बिलीव हो उसको कि यार ये मिस कमिटमेंट नहीं करेगा, ये कर लेगा काम, ठीक है? दूसरा, ये लास्ट सेशन में भी ये बात डिस्कस हुई थी,
अपने कस्टमर के सोने जागने का टाइम आपको पता होना चाहिए, वो किस वक्त काम करने बैठता है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, अगर ये भी आपको आइडिया हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कुछ कुछ बंदे होते हैं थोड़े डाइवोर्स वगैरह होते हैं तो उनको थोड़ा उसी हिसाब से उनसे बात करें। ठीक है, कुछ बंदे थोड़े लोनली होते हैं ऐसे ही बिला वजह। ठीक है, कुछ बंदे थोड़े ज़्यादा सोशल होते हैं तो उनसे थोड़ा उस तरह से बात करें तो उनको कंफर्टेबल फील होता है। तो आप जितना अपने कस्टमर को जानेंगे, जितना उसको आप कंफर्ट देंगे उतना अच्छा है। आप इमेजिन करें ना, आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, अब आप टेबल पे बैठे हैं, अब आप एक वेटर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सर्विस सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस दे रहा है आपको, आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपसे तमीज़ से इज्जत से बात करें, आप उससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यार हर थोड़ी देर बाद आके ना रोटी पानी पूछता रहे कि यार कुछ चाहिए तो नहीं। ठीक है, मेरे साथ अक्सर ये होता है, मैं इधर नज़र घुमाता हूँ कोई है ही नहीं, गायब है सारे, तो बहुत गुस्सा आता है, समझ रहे हो। तो ये जो एक आप वेटर से एक्सपेक्ट करते हैं, जब आप सर्विस लेने के लिए खुद जाते हैं, जब आप बाल कटवाने जाते हैं, हेयर ड्रेसिंग के लिए जाते हैं, जब आप कहीं बिरयानी खाने जाते हैं, जब आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठते हैं, तो ये सारे सर्विस बेस्ड बिजनेस हैं। तो जो चीज़ें आप वहाँ पे जाने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे भी आपका कस्टमर वही चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप ज़रा अपने कस्टमर के दिमाग से सोच के देखें, कस्टमर के दिल से सोच के देखें, और उसके बाद जितना कम्फर्ट हो सके अपने कस्टमर को आप दें। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं ज़रा नो योर सेल्फ का अगला पॉइंट, कि भाई आपको अगर कोई भी कस्टमर आपका है, मिसाल जैसे ये देखो गिग वगैरह बनाना, ये बनाना तो कोई भी आपको बता देगा, ये तो इतना बड़ा इशू नहीं है कोई, ठीक है ना। बल्कि वो उस पे भी आज ही हमने वो कवर करना है, हमारे पास है अभी तकरीबन एक घंटे से ज़्यादा है हमारे पास। अच्छा, लेकिन ये छोटी छोटी बातें, मैं ज़रा अपना गिटहब खोलता हूँ और गिटहब खोल के दिखाता हूँ आपको, स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। ओके, शेयर स्क्रीन, स्क्रीन स्क्रीन शेयर। अच्छा, होपफुली मेरी स्क्रीन सब लोगों के पास आ गई है। देखो यार, नो योर सेल्फ जो है ना, आपको अपना पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में। ये जो मैंने चीज़ आपके सामने खोली है ना, github.com, ये एक ऐसी चीज़ है जिस जो होना आपके पास बहुत ज़रूरी है और जो आना भी आपको बहुत ज़रूरी है। अच्छा, github.com में क्या होता है, रिपॉजिटरीज होती हैं। ठीक है, मैं क्या काम कर रहा हूँ पब्लिकली और प्राइवेटली, वो सब यहाँ पे आ रहा होता है। ठीक है, ये डेवलपर्स का सोशल मीडिया है। अच्छा, ओवरव्यू में जाता हूँ मैं, ओवरव्यू में जाने के बाद ये मेरी एक्टिविटी है। अच्छा, अब 2015 से लेके 2022 तक की ना इसमें एक्टिविटी शो हो रही है। मैं 2015 में जाऊँगा तो 2015 की ये एक्टिविटी है मेरी, 2016 की ये एक्टिविटी है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि मैं कब क्या करता रहा हूँ। ये एग्रीकल्चर मोबाइल ऐप, एग्रीकल्चर ऐप बैकएंड, सही है, फ्री SMS पता नहीं कोई बनाया होगा बच्चों वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, इनजी चैट ऐप, लर्न टाइप स्क्रिप्ट, टाइप RxJS। 23 दिसंबर 2016 को मैं ये सीख रहा था, ठीक है, ये पता चल गया। अच्छा, फिर 2017 में मैं क्या कर रहा था, 2017 में मशीन लर्निंग का हेलो वर्ल्ड बनाया मैंने। ठीक है, गूगल असिस्टेंट SDK की ऐप बना रहा था मैं, डॉकराइज Node.js की ऐप बना रहा था, डॉकर सीख रहा था मैं 2017 में। ठीक है, अब आप ये नीचे करते जाएं, शो मोर एक्टिविटी, ये पूरा बताएगा कि इस साल मैं क्या करता रहा हूँ। रोमन उर्दू का चैटबॉट टेस्ट कर रहा था बना के, ठीक है, और क्या कर रहा था मैं भी देख रहा हूँ, क्विज असिस्टेंट बना रहा था, एक ऐसा क्विज की ऐप जो आपसे बात करे। ठीक है, एक बिक्रिप्ट के नाम से मैंने एक लाइब्रेरी लिखी थी 2017 में। ये सब चीज़ें यहाँ पे देखें शो हो रही है। अच्छा, फायरबेस की एग्जांपल्स बनाया था मैंने, गूगल के NLP के एग्जांपल्स बना रहा था, फायरबेस फंक्शन को टाइप स्क्रिप्ट के साथ उसका एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है मैंने। अब देखो, बताने का मकसद ये है, देखो डिग्रियों का दौर चला गया, अगर किसी को लगता है ना कि उसके पास डिग्री है और दैट डिग्री इज़ गोना हेल्प हिम, वो बेवकूफ़ी की बात है। ठीक है, अब आपकी जो असल डिग्री है, नो योर सेल्फ, आप अपने आप को पता होना चाहिए कितने पानी में आप। तो आप कितने पानी में हैं वो आपको तो पता है, लेकिन आपके कस्टमर को कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे 2017 में जो मैं इतनी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मतलब कुछ तो कर रहा हूँ ना मैं,
कंप्यूटर के आगे बैठा हुआ हूँ ना, कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, अब ये खोल के एक एक कोड भी मेरा देखा जा सकता है कि मैं क्या कर रहा था। तो ये वो क्रेडेंशियल है जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता। आप सब लोगों को अकाउंट होना चाहिए github.com पे, और आज के बाद आप जितने भी प्रोजेक्ट्स करेंगे, चाहे वो आप अपने लिए कर रहे हो, चाहे वो आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो, ज़ाहिर है क्लाइंट के लिए करेंगे तो वो प्राइवेट होगा, इसमें प्राइवेट भी होती हैं रिपॉजिटरीज़। अगर मैं आपको रिपॉजिटरीज़ में जाके दिखाऊँ, कुछ पब्लिक हैं और इसमें प्राइवेट भी होंगी कुछ। ये देखें, ये प्राइवेट है क्योंकि ये किसी क्लाइंट के लिए मैंने काम किया, तो ज़ाहिर है ये प्राइवेट है, ठीक है। अच्छा, और आप आगे देखें, इसमें प्राइवेट कुछ होंगी और भी। ये देखें, ये प्राइवेट है नेक्स्ट जेएस, ठीक है, ये प्राइवेट है सीना। तो आपका ज़ाहिर है जो जो क्लाइंट का काम होगा वो प्राइवेट होगा, उसको आप पब्लिक नहीं करेंगे ऑफ कोर्स। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, स्टैक ओवरफ्लो, एंटर stackoverflow.com। स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी रेपुटेशन, मेरी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 3000 है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता मैं। एटलीस्ट आपकी 10,000 रेपुटेशन अगर होना तो बहुत इनफ है, ठीक है, लेकिन मेरी 3000 है, मैं ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता। कम एक्टिविटी होने के बावजूद भी स्टैक ओवरफ्लो ने मुझे बहुत सारे क्लाइंट ला कर दिए हैं। आपको अजीब बात लगेगी लेकिन स्टैक ओवरफ्लो से मुझे क्लाइंट्स मिले हैं, ऐसे बंदे मिले हैं। मिसाल जैसे मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं, पूछे हैं लोगों से कि भाई ये मुझे बताओ, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने पूछे हैं, ठीक है। 2020 में भी पूछे हैं, 2019 में भी पूछे हैं, 18 में भी पूछे हैं, ठीक है जी, 2017 में भी पूछे हैं मैंने। अर्लीस्ट मेरा जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे वो शायद 2016 या 17 का ही होगा, क्योंकि उससे पहले मैं ये यूज़ नहीं करता था, ठीक है। 2016 का है अर्लीस्ट क्वेश्चन, बल्कि 2015 का भी है शायद, यही मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ टू प्ले लोकल वीडियो इन आयोनिक ऐप। तो इसका मतलब ये है कि 2015 में मैं आयोनिक पे कुछ काम कर रहा था, ठीक है, इसका मतलब ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि देखें, यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना आमतौर पे, अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा है जिसके पास यही वाला प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छा इसमें आंसर्स भी मैंने कुछ दिए होंगे ज़ाहिर है, ये जो मैंने आंसर्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि एनवायरनमेंट वेरिएबल भाई कैसे सेट होता है फ्लास्क की एप्लीकेशन में, ठीक है, मतलब फ्लास्क आता है मुझे, मैं कर रहा हूँ जब भी तो आंसर किया है, ठीक है। नो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कुड बी डिटेक्टेड, इस तरह का एक एरर आता है हरिको के ऊपर, बड़ा कॉमन है वो, ठीक है। मिसाल के तौर पे हाउ टू टेस्ट क्लाउड फंक्शन ऑन लोकली ऑन पीसी, तो इस तरह के जो सवाल आते हैं, कुछ जगहों पे मैंने आंसर किए हुए थे, वो बड़े डिटेल्ड मैंने आंसर लिख के, एक 5 सेकंड वाला एक आंसर होगा यहाँ पे कि भाई 5 सेकंड वाला क्या इशू है। तो उससे भी एक क्लाइंट ना, उसने देखा जब मेरा आंसर पढ़ा, उसने उसको समझ में भी आ गया, उसने कहा यार आंसर तो आपने बड़ा अच्छा लिखा है लेकिन मसला ही है वो मेरे से हो नहीं रहा, ठीक है। आपसे वो मसला अगर हो गया था सॉल्व तो आप क्या करो, मुझसे पैसे लो आप और मेरा भी मसला हल कर दो। अच्छा, तो उस वक्त मैंने उसका वो पैसे लेके मसला हल कर दिया। उसके बाद अगले 6 महीने उसने मुझे मजीद काम भी दिया, उसने मुझसे पूछा यार ये भी कर लेते हो, मैंने कहा कर लेता हूँ, कह रहा चलो ये भी कर दो फिर, ठीक है। तो अगले 6 महीने उसके साथ मैं काम करता रहा हूँ फिर स्टैक ओवरफ्लो की वजह से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि स्टैक ओवरफ्लो भी ऐसा क्रेडेंशियल है जिसको कोई झुठला नहीं सकता, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं किसी भी रैंडमली किसी भी, मैं एक आंसर जो मैंने किया उसमें चला जाता हूँ, ये मैंने जो आंसर किया है इसको 21 लोगों ने कहा है कि ये सही आंसर है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था इसको भी 7 लोगों ने कहा है कि ये सही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैंने, अच्छा मैंने ही पूछा है, मैंने बाद में आंसर भी खुद ही किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कोई कम्युनिटी का बंदा है जिसने इसको एडिट भी किया, इम्प्रूव भी किया मेरे बिहाफ पे, ठीक है। नीचे ये आप देखें, कोई थैंक्स दिस हेल्प मी अलॉट, किसी ने ये कमेंट भी किया हुआ, 2020 का कमेंट है ये बंदा, ज़रा देख लेते हैं कौन है, ये बंदा है, ठीक है, कोई कहाँ का, ये मेंशन नहीं हुआ कि ये कहाँ का बंदा है। अच्छा, जर्मनी का बंदा है ये, ठीक है, जर्मनी से किसी बंदे ने बोला है कि हाँ यार ये जवाब आपका जो है ना मेरे लिए हेल्पफुल रहा है। अच्छा, ये कमेंट ना कहीं नहीं जा रहा है यहाँ से, ये कमेंट यहीं पर है, जब तक ये प्लेटफॉर्म कायम है जब तक ये कमेंट यहाँ पर है। अच्छा, तो आप अगर किसी से भी ये शेयर करते हैं ना लिंक स्टैक ओवरफ्लो का, तो ये एक ऐसा क्रेडेंशियल है जिसको कोई मना नहीं कर सकता। देखें, यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होती है ना वो बहुत बेवकूफ़ी की बात है। अच्छा, अब मैं अपनी स्क्रीन बंद करता हूँ और अपने,
जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है ना, बहुत बेवकूफ़ी की बात है। अगर कोई बंदा कहता है ना मेरे पास ये कागज़ का टुकड़ा है, देखिए मैं भी ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाता हूँ, मैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता भी हूँ, लेकिन मैं जो ऑनलाइन कोर्स करवाता हूँ, अच्छा उसका सर्टिफिकेट भी मैं देता हूँ, लेकिन मैं खुद ये कह रहा हूँ और मैं उनसे भी ये कहता हूँ अपने स्टूडेंट से कि भाई ये जो मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें कागज़ का टुकड़ा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कल को मेरे पास भी आओगे ना अगर यही डिग्री लेके जो मैंने दी है, कल को मेरे पास भी आओगे ना यही डिग्री लेके, मैं नहीं दूंगा जॉब तुम्हें, इस डिग्री के बेस पे नहीं दूंगा। मतलब ये है इस डिग्री के बेस पे नहीं दूंगा, दूंगा तो सही, काम आता होगा तो क्यों नहीं दूंगा यार तो काम करने वाला बंदा किसको पसंद नहीं होता। तो ये बिल्कुल क्लियर बात है, कभी भी मुझसे अगर आप कभी भी कोई ऑनलाइन कोर्स पढ़ें, बल्कि अभी मेरा फ्रीलांसिंग का भी एक पूरा बाकायदा कोर्स स्टार्ट करने का प्रोग्राम है, तो उसमें भी ना फ्रीलांसिंग का भी जो कोर्स मैं करवाऊंगा उसमें भी जो मैं डिग्री दूंगा ना आपको, ये सर्टिफिकेट बना के दूंगा, कल को मेरे पास आओगे ना वही सर्टिफिकेट लेके, मैं नहीं दूंगा जॉब, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि भाई डिग्री से क्या प्रूव हो रहा है, अगर एक अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर है आपके पास या नहीं भी है, दुकान पर रखे हैं बहुत सारे भाई, उनको आप अभी कैनवा खोलूंगा मैं, उसके अंदर इतने सारे सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेट पे अपना नाम लिखूंगा प्रिंट करवा दूंगा जाके, तो क्या ऑथेंटिसिटी हुई उसकी? अब आप बोलेंगे नहीं यार उस पर वो गोल्ड का ना वो ठप्पा लगा हुआ होता है, तो गोल्ड का ठप्पा क्या ये बता रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं? गोल्ड का ठप्पा उस पर जो लगा हुआ है वो क्या ये बता रहा है कि आप बहुत काबिल हैं? क्या बता रहा है? मेरे समझ में नहीं आता क्या बता रहा है वो गोल्ड का ठप्पा। ठीक है, ऑथेंटिक है भाई ये डिग्री, बहुत ऑथेंटिक है। भाई क्या ऑथेंटिक है भाई, पीछे वाली सीट पे जो बच्चा बैठा हुआ है तो वो क्लास में आता था नहीं आता था, किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर किया, कुछ भी नहीं पता, वो एक कागज़ का टुकड़ा है बस यही है। ठीक है, तो कागज़ के टुकड़े की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है पूरी दुनिया की। आप हार्वर्ड की भी डिग्री लेकर आ जाएंगे ना आपको जब भी जॉब नहीं मिलेगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, हार्वर्ड की डिग्री दिखाएंगे आप, ये मैंने डिग्री की भी, आपको जॉब देगा ही नहीं कोई, क्यों देगा आपको जॉब? आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आप दिखा सकें। ठीक है, अच्छा हो सकता है मैनेजमेंट वगैरह में मिल भी जाए, ठीक है ना, हो सकता है वो दूसरे पेपर वर्क वाले काम होते हैं उनमें शायद मिल भी जाए, लेकिन ये जो टेक्निकल ग्राउंड का काम है ना, जो ये हम वर्क फोर्स हैं कंप्यूटर साइंस के, इनको ना मिलती जॉब। अच्छा, तो अच्छा अभी तक कोई सवालात वगैरह नहीं आ रहे। ये शिराज करता है कैनवा का स्कैम अच्छा अच्छा प्लीज़ अच्छा प्लीज़ अगर किसी का भी कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकता है अभी। अच्छा अच्छा अब हम ज़रा चलते हैं और ना हम ओपन करते हैं fiverr.com। ठीक है, फ्रीलांसिंग के ना दो अच्छे प्लेटफॉर्म हैं इस वक्त मार्केट में, एक है फाइवर और एक है अपवर्क। तो मैं ज़रा अपना फाइवर जो है वो लॉगिन कर लूँ क्या? हाँ लॉगिन कर लेता हूँ, क्यों बगैर लॉगिन के वो कोई ऑप्शन नहीं शो कर रहा। अच्छा अब मैं कर देता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर। अच्छा देखो यार ये है fiverr.com, सही है, fiverr.com पे आपने अकाउंट बना लेना है। अच्छा अभी मैं जो हूँ ना बाइंग मोड पर हूँ मैं, सही है, मैं एज अ बायर यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, अभी मैं स्विच करूँगा ना सेलिंग मोड पे तो वो मेरे डैशबोर्ड वगैरह सारी चीज़ें मेरी दिखाएगा, लेकिन अभी मैं शुरू करना चाहता हूँ यहाँ से क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मिसाल के तौर पर आप वेब डिवेलपर हैं, ठीक है, वेब डिवेलपर आप हैं, बहुत आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपने जाना है, अच्छा यहाँ पे जाके आपने लिख देना है वेब डेवलपर। तो जो पहले से फ्रीलांसर यहाँ पे मौजूद हैं, पहले से जो मौजूद हैं फ्रीलांसर, वो सारे यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये देख रहे हो हसीब अहमद, ये कोई हैं फ्रीलांसर, ठीक है, 5 स्टार इनकी रेटिंग भी है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक बायर की नज़र से देखकर बताना चाहता हूँ कि एक बायर देखता क्या है, सही है, आपको खुद भी पता है, बल्कि आप खुद भी अगर बायर मोड पे आएंगे ना, अभी मैं सेलर मोड पे नहीं हूँ, अभी मैं बायर मोड पे हूँ। ठीक है, आप अगर खुद भी बायर मोड पे आएंगे ना, इधर आप कॉल ले लूँ मैं, हेलो वाईम सलाम जी, यार आप मुझे बाद में कॉल कीजिएगा, एक घंटे बिजी हूँ अभी, सही है, एक घंटे बाद कीजिएगा। अच्छा तो अब आप ज़रा देखें कि कौन सा जो इसमें से जो गिग है, अच्छा ये गिग्स होती हैं ये एक्चुअली,
वो मेरे लिए कैची है, मेरी आँखों के लिए कैची है, वो कौन सा है? ठीक है, मेरे लिए जो थोड़ा कैची लग रहा है मुझे ये वाला लग रहा है, वो ये मैंने ओपन कर लिया। अब इसने क्या लिखा है, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सॉल्यूशन। ठीक है, ये एंगुलर पे काम करते हैं साहब, ये PHP पे काम करते हैं साहब, ठीक है, HTML CSS JavaScript पे और Bootstrap पे काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये मेरे लिए अट्रैक्टिव नहीं है, मेरे लिए अट्रैक्टिव ये भी नहीं है। सही है, मैं भी जाऊंगा क्योंकि मुझे करना है मर्न स्टैक पे रिएक्ट पे काम करवाना है, तो मेरे लिए ये अट्रैक्टिव है शायद ये वाला, क्योंकि वो जो मैंने पहले खोला था वो PHP पे काम कर रहा है, मैं PHP में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई विल डिवेलप और फिक्स वेब ऐप, JavaScript ऐप, TypeScript, React.js, Redux bug। ठीक है, ये भी मुझे प्रोफाइल को देख के ना कोई ऐसा कॉम्पिटेंट नहीं लग रहा है कि मैं पूरी ऐप एंड टू एंड ये बना लेगा। ठीक है, इतना कोई कॉम्पिटेंसी इसकी नहीं लग रही मुझे। अच्छा, अब देखें इन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, प्लीज़ मैसेज मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, आई एम अ वेब डिवेलपर हैविंग 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मेकिंग कस्टम वेबसाइट्स अकॉर्डिंग टू क्लाइंट नीड। अब गिग बनाने के लिए ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका ये डिस्क्रिप्शन पूरा उठाओ, थोड़ी बहुत चेंजेस करो, लगा दो अपने पास। ठीक है ना, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अच्छा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे निकलेगा यहाँ पे से? यहाँ पे आप देख रहे हैं सेलर डिटेल, टॉप रेटेड जो सेलर्स हैं इसके अंदर, ठीक है, Level 2 के जो सेलर्स हैं, ठीक है, टॉप रेटेड 42 सेलर आ रहे हैं इस वक्त मेरे पास, अंग्रेजी बोलता हो, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में रहता हो, गोरा हो खुद, अप्लाई। अरे बहुत ज़्यादा फिल्टर लगा दिए मैंने शायद, एक हटा देता हूँ। अच्छा, ये टॉप रेटेड मेरे पास आ गए सारे, ठीक है, टॉप रेटेड सेलर है। इसके अंदर गए आप, अब आप इसके डिस्क्रिप्शन देखें इसने क्या लगाया हुआ है। अच्छा, ये भी PHP पे काम कर रहा है, थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है, PHP पे काम करने वाले पैसे थोड़े कम चार्ज कर रहे होते हैं, देखें आप 3000 में बना के दे रहा है। अच्छा, तो आपने क्या करना है, इनकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है, 1, 2, 3, 4 आपने 10, 12 जो है ना अलग अलग जो आपकी आपके जो प्रोफाइल्स हैं वो आपने स्टडी करनी है कि उन्होंने बनाया हुआ क्या है। अच्छा, ये वाला जो एक जो गिग है ये काफ़ी कैची लग रही है मुझे, तकरीबन हर सर्च में ये आ रही थी मेरे पास, तो मैं इसके अंदर भी चला जाता हूँ, इसको भी देख लेता हूँ कि क्या है। आई विल डिवेलप एनी वेब ऐप, ठीक है, टॉप रेटेड बंदा है, 107 लोगों ने इसको तकरीबन 5 स्टार दिया हुआ है। अब ये फ़ोटोज़ इसने जो लगाई हुई हैं, ज़रा ये फ़ोटोज़ देख लेते हैं। अच्छा, इस फ़ोटो में इसने बने हुए प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, बिल्डर बिड, ये कोई नाम से इसने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, उसके अलावा ये टैनर कनेक्ट करके कोई है, ठीक है, U2 एग्री है। इसकी कॉम्पिटेंसी मुझे लग रही है थोड़ी सही कि यार ये बंदा ना अच्छा काम कर लेगा। आर यू लुकिंग फॉर एक्सट्रीम वर्सेटाइल बैक एंड वेब डिवेलपर, देखो इसने पहली लाइन में ही दिल जीत लिया, पहली लाइन पढ़ के मुझे फील हो गया कि यार ये एंड टू एंड ना पूरा काम तो ये कर लेगा। सही है, अच्छा 42,000 चार्ज कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं आप, नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, पैसे भी ज़्यादा चार्ज कर रहा है। अच्छा, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है ये, रिएक्ट, एंगुलर, PHP थोड़ी पुरानी वाली है उस पर भी कर रहा है, Node.js पे भी कर रहा है, ठीक है, जावा, स्विफ्ट सब पे कर रहा है ये, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसको आती हैं, काफ़ी एक्सपर्ट किस्म का बंदा है ये। उसके अलावा यहाँ पे नीचे जो इसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है अपनी कंपनी की और सब चीज़ों की डिस्क्रिप्शन, आपने सिंपल ये करना है 10, 12, 15 प्रोफाइलों को स्टडी करना है, ठीक है, और स्टडी करने के बाद ये डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सब चीज़ें आपने बनानी है, उसके बाद बना लेंगे आप, कोई ऐसा इशू है ही नहीं। अच्छा, नीचे इसने पोर्टफोलियो भी कुछ लगाया हुआ है, अंदर गया मैं, बिल्डर बिड के नाम से कोई ऐप इसने बनाई थी, उसकी स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा, लार्जेस्ट मेट्रोमोनियल प्लेटफॉर्म इन श्रीलंका, ठीक है, ये इसने बनाया है भाई, शादी करके कुछ शायद नाम है इसका, मे बी। अच्छा, द फुली कस्टमाइज्ड एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन, ये कोई घर बनाने के एस्टिमेशन करता है ये सॉफ्टवेयर, कोई वो इसने बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये सारा कुछ इसने पोर्टफोलियो में अपने वो किया हुआ है। अच्छा, ये इसके बाद हैं आपके पैकेजेस, ये मुख्तलिफ पैकेजेस जो इसने डिज़ाइन किए हुए हैं। अच्छा, फाइवर में क्या होता है, 3 तरह के पैकेज होते हैं, एक बेसिक होता है कि भाई सबसे छोटी से छोटी ऐप आप बनाकर जो दोगे वो कितने में दोगे और उसमें क्या क्या होगा, ठीक है, फाइवर कुछ इस तरह से होता है कि आप गिग में ना एक दफ़ा ही बता देते हैं कि मैं ये बनाऊँगा, ठीक है, तो एग्जैक्टली जब कस्टमर अगर आप बेसिक ऑर्डर करूँगा ना, मैं 42,000 मेरे चार्ज होंगे, तो ये एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है ना इसने, आई विल डिवेलप स्मॉल स्केल वेब एप्लीकेशन विथ लिमिटेड फीचर्स, ठीक है, तो ये बनाकर देगा। इसमें वैसे इसने थोड़ा ये घुमा के लिखी हुई है बात, एग्जैक्टली इसमें लिखना पड़ता है कि कितनी स्क्रीन्स होंगी उस ऐप के अंदर,
ठीक है, क्या उसके अंदर सर्वर अवे इंक्लूडेड होगा, डेटाबेस उसमें होगा, क्या होगा। अच्छा ये बाय द वे शुरू में ही मैंने बात कर दी थी कि भाई आप जो यानी इससे पहले वाले सेशन में कि आप अगर फ्रीलांस में कोई सर्विसेज देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप नॉलेज एक्वायर करें, ठीक है। ये पहले सेशन में बात कर चुका हूँ। अब ये हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें समझ में ना आ रही हो कि ये वेब डेवलपमेंट की टेक्निकल बात हो रही है तो ये समझ में नहीं आ रहा ये है क्या, ठीक है। अभी हम नॉन टेक्निकल की तरफ भी कोशिश करते हैं थोड़ा जाने की, लेकिन असल बात यह है कि नॉन टेक्निकल भी थोड़ा टेक्निकल तो रहता ही है। तो अब इसमें एग्जैक्टली आपको बताना होता है तीन पैकेजेस होते हैं। आप पहले से बता देते हैं कि यार तीन पेज की अगर ऐप होगी तो मैं इतने में बना दूंगा, छः पेज की ऐप होगी तो इतने में बना दूंगा, ठीक है। अच्छा सोर्स कोड मैं दूंगा, साथ में टिक लगा दिया, हाँ भाई दूंगा सोर्स कोड, ठीक है। रिविजन्स होता है कि भाई अगर एक दफ़ा आपने डिलीवर कर दिया, उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई चीज़ उसको चेंज करवानी है छोटी मोटी, तो क्या वो रिविजन्स होंगे। तो वन रिविजन का मतलब है कि आप बस दे दिया एक दफ़ा और हो गया, अब आप दोबारा वापस नहीं लेंगे उसको। टू रिविजन का मतलब होता है कि भाई आपने डिलीवर कर दिया, उसको अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपके पास आएगा वापस, आपसे बोलेगा कि यार मुझे ना इसको सही कर दो, तो वो सेकंड रिविजन भी आप उसको फिर दे सकते हैं। इस एक में इसने लिखा है छः रिविजन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा छः रिविजन वाले के ये पैसे कितने चार्ज कर रहे हैं भाई, 844,000 चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, 8400 चार्ज कर रहे हैं, तो सही है, इतने में छः रिविजन कर सकता है बंदा, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा तो ये हमने वेब डेवलपर की कुछ प्रोफाइल्स देखी। अच्छा अब हम आ जाते हैं कि फाइवर पे और क्या क्या कुछ होता है। इस पे हम एक लगा लेते हैं कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटर। अच्छा ये सारे कंटेंट राइटर हैं, जो लोग जर्नलिस्ट हैं इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं जो अच्छा कंटेंट राइटिंग क्या होता है कि आप किसी भी वेबसाइट पे जब आप जाते हैं ना तो वहाँ पे भी जो बातें लिखी हुई होती हैं, जैसे कोई साबुन है उसका आप लेबल पलट के देखें तो पीछे उसके काफ़ी लंबा चौड़ा सा मंजन लिखा हुआ होता है कि यार हमारा साबुन ना जरासीम को इस तरह मारता है, उस तरह मारता है, ऐसे साफ करता है, मतलब जो भी बात लिखी हुई होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस वेबसाइट के भी अगर मैं लास्ट में जाऊँगा ना तो यहाँ पर ना कुछ अच्छा कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आमतौर पे होता है वेबसाइट्स में भी ना, ठीक है। आमतौर पे जो इस तरह की चीज़ होती है, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं चेक लगा हुआ होता है वेल रिसर्च क्वालिटी, ये सारा काम ना कंटेंट राइटर का ही होता है, ठीक है। तो अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप इसकी गिग को देख लें, ठीक है। 10-12-15 कंटेंट राइटिंग की आप गिग्स देखें, उन्होंने किस तरह बनाया हुआ है आप भी उसी तरह बना दें। अच्छा कंटेंट राइटिंग का होता है वर्ड्स के हिसाब से होता है, ठीक है, बेसिक 500 वर्ड्स, ठीक है। तो 500 वर्ड का जो ये लिखेगा जो कंटेंट उसके ये चार्ज करेगा 3,000, स्टैंडर्ड में देख लेते हैं हम 1,000 वर्ड के 6,000 चार्ज करेगा, उसके अलावा 1,500 वर्ड के ये चार्ज करेगा 25,000, ठीक है। अब ये नीचे इसने कुछ और भी लिखा हुआ है कि रिसर्च करेगा उस टॉपिक पे ये, ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स इस्तेमाल करेगा जो सर्च इंजन में ऊपर आए, ठीक है, रेफरेंस वगैरह भी देगा जहाँ से इसने डेटा निकाला है सर्च करके, उसका रेफरेंस वगैरह भी दे रहा होगा साथ साथ ये, ठीक है। तो भाई इसका आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग, आई हैव एक्सपर्टीज इन ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग फॉर 5 years, 5 साल का एक्सपीरियंस इसने लिखा है। तो ये जो इंट्रोडक्शन है ना, ये जो डिटेल है ये वाली, ये आपको इसमें अपना दिमाग ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप 10-12 लोगों की अलग अलग प्रोफाइल देखें, जो बेस्ट लग रहा है आप वो समझा दें। अच्छा अब एक चीज़ रह गई, एक चीज़ ये रह गई कि ये सामने जो बैनर आ रहा है इसका क्या सीन है, ये बैनर कैसे हम बनाएं। अच्छा ये बैनर बनाना बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैनर ये बनेगा कैसे, बल्कि एक बना ही देता हूँ, ठीक है। मैं गया canva.com, बहुत आसान है कैनवा चलाना, ठीक है, ये भी आपको सिखा देता हूँ आज मैं। अच्छा ये कैनवा का फ्री वर्जन है, पेड वर्जन नहीं है ये, ठीक है, फ्री वर्जन से आपको बता रहा हूँ मैं जो भी हो सकता है। अच्छा अब मैं गया टेम्पलेट्स में, ये होम है, योर प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में मैं जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पे ना बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अच्छा टेम्पलेट से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, ये माई प्रोजेक्ट्स में जाके ना ये आप देख रहे हैं ऑनलाइन वेबिनार, ये जो बना हुआ रहा है, ये आपने जो फेसबुक पे आज पोस्ट देखी थी वो भी इसी पे बनी हुई है, ठीक है। वो वक्तन फवक्तन मेरी आप कुछ पोस्ट वगैरह देखते रहते होंगे, वो सारी देखें यहीं पे से बना रहा होता हूँ मैं, तो ये यहाँ पे खुल गई होगी, ये यहाँ पे ओपन हो गया, तो ये मैंने इसी पे ही बनाया, कैनवा पे ही बनाया था। वेल तो मैं वापस चलता हूँ टेम्पलेट्स में। अच्छा टेम्पलेट्स में मैं आ चुका हूँ इस वक्त, टेम्पलेट्स में आने के बाद अब देखें यहाँ पे ना मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स हैं,
ठीक है, ये देख रहे हैं आप मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स बने हुए हैं। किसी भी टेम्पलेट को आप क्लिक करेंगे और आप शुरू हो जाएं बनाना। अच्छा, मैंने कहा सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया वाले टेम्पलेट्स चाहिए मुझे, बल्कि मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट, सर्च भी कर सकते हैं ना आप यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कह दिया वेब डेव, कोई भी कीवर्ड लिख दें आप, ठीक है। अच्छा, वेब डेव से नहीं आया, मैं यूट्यूब थंबनेल लिख देता हूँ, ये रहा यूट्यूब इसमें ना, बल्कि खुद ही आ रहा है यूट्यूब थंबनेल्स। यूट्यूब का थंबनेल ऐसे चकोर सा ही होता है, आमतौर पे यूट्यूब पे इसी तरह के थंबनेल बनाए हुए होते हैं लोगों ने। अच्छा, नोट करें, मैंने यूट्यूब थंबनेल जैसे ही लिखा ना, तो यहाँ पे बहुत सारे उस तरह की फ़ोटोज़ आ गई जिसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये भी असल में थंबनेल ही है एक तरह का, ठीक है। तो यूट्यूब थंबनेल लिखा मैंने, तो बहुत सारी वीडियोज़ मेरे पास इस तरह की आ गई। अच्छा, अब मैं एक ज़रा ना वेब डेवलपमेंट का एक बनाता हूँ यहाँ पे जल्दी से। अच्छा, इसमें कुछ पे बना हुआ है ये डॉलर छोटा सा, इसका मतलब है ये पेड है, और कुछ पे बना हुआ है प्रो, ये भी पेड है। जिस पे ये दोनों नहीं बने हुए ना, वो फ्री है। अच्छा, यहाँ पे मैं चेक लगा देता हूँ फ्री पे, ताकि फ्री वाला सिर्फ मुझे ये शो करे, ठीक है। अब ये शुरू फ्री वाले शो हो गए सिर्फ, क्योंकि मैंने फ्री पे लगा दिया चेक। अच्छा, अब ये मैं यहाँ पे, अच्छा ये भी पेड आ रहा है यार, ये क्या सीन है, मैंने फ्री पे चेक लगाया फिर भी पेड आ रहे हैं। अच्छा चलो, ये वाले पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये वाले पे क्लिक कर दिया मैंने। नीचे देखो इसकी की जैसे और भी आ गए, मतलब इसी तरह के जो डिज़ाइन में और भी बने हुए हैं वो भी नीचे आ गए, ठीक है। चलो सही है, यही वाला बनाता हूँ मैं फिलहाल। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अच्छा, सबसे पहले तो इस बंदे की फ़ोटो उड़ाता हूँ मैं, डिलीट, अपनी फ़ोटो लगाता हूँ इसकी जगह, ठीक है भाई। मेरी फ़ोटो ये लो भाई, मेरी फ़ोटो आ गई, ठीक है। react.js, not.js/express। अच्छा, ये थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा हो गया, तो फॉन्ट को मैं छोटा कर लेता हूँ, सही है, फॉन्ट छोटा हो गया। express.js और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अच्छा, और क्या लिखता हूँ इसके अंदर, बाय नाउ, सही है। एक कोई देख लेता हूँ मैं यहाँ से, कीवर्ड किसी ने क्या लगाया हुआ, एक वो वाला कीवर्ड लगा देता हूँ कुछ। मैं इसमें लगा देता हूँ, ओ ये चल क्यों नहीं रहा, अट्रैक्टिव डिज़ाइन, ये मैंने लिख दिया अट्रैक्टिव डिज़ाइन, बाय नाउ। अच्छा, ये मेरा जो है ना वेब डेवलपमेंट का बन गया टेम्पलेट। अच्छा, इसका लोगो उड़ा देता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया। इसको थोड़ा अलाइन भी कर देता हूँ इसके साथ साथ, ठीक है। साथ में जो टाइटल है हमारा प्रो फ्रीलांसर, वो भी लगा देता हूँ, ठीक है। बल्कि प्रो फ्रीलांसर शायद मुझे ऊपर वाले में लगाना था, प्रो फ्रीलांसर इन नवाब मलिक, ठीक है। प्रो फ्रीलांसर को जो ज़रा मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा इसका, ठीक है भाई। ये हो गया प्रो फ्रीलांसर। रिएक्ट जेएस पे काम करता हूँ, नॉट जेएस पे काम करता हूँ, एक्सप्रेस पे काम करता हूँ मैं। अच्छा, इन तीनों का मुझे शायद थोड़ा थोड़ा लोगो भी चाहिए। अच्छा, ये मेरी कंपनी का लोगो है, ये भी मैं कहीं ना कहीं अटैच कर देता हूँ। अच्छा, ये मैं कैसे अटैच करूँगा, एलिमेंट्स में गया और फ्रेम्स में आ गया मैं। फ्रेम्स क्या होते हैं कि फ़ोटो लगाने के लिए जगह होती है, जो कोई मैं अच्छा सा फ्रेम देखता हूँ।
ये मैंने एक फ्रेम देख लिया अच्छा सा, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा अपनी कंपनी का लोगो लगा दूँगा। ठीक है ये हो गया भाई, ये मेरी कंपनी का लोगो है, ये मैंने ला के अटैच कर दिया यहाँ पर, सही है। अब अच्छा मैंने ये बनाया, ज़रूरी नहीं है कि आप भी इस तरह बनाएं, आप इसको किसी और तरह से भी बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मुख्तलिफ ना रिएक्ट वगैरह का लोगो उठा लेता हूँ, मेरे पास रिएक्ट का लोगो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैंने कहा कि रिएक्ट लोगो, ठीक है इमेजेस में गया, इमेजेस में जाने के बाद ये तो कुछ ड्रैग ही नहीं हो रहा, मुझे पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए ना, ये पीएनजी नहीं है, मैं पीएनजी लिख देता हूँ यहाँ पर। अच्छा ये देख रहे हो, ये ड्रैग करने से ना इसका बैकग्राउंड मुझे दिख रहा है कि ट्रांसपेरेंट है, मुझे ये वाली इमेज चाहिए। अच्छा कुछ इमेज होंगी उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, अच्छा इसका भी ट्रांसपेरेंट ही है बैकग्राउंड ना, इसमें कुछ एक दो आ रही होंगी जिसका बैकग्राउंड ना ट्रांसपेरेंट होगा नहीं असल में, जैसे देखो ये वाला है इसका बैकग्राउंड ना ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है तो मैं सबसे फर्स्ट वाला जो मैंने देखा था वो सबसे सही था, वही उठा लेता हूँ। अच्छा इसको उठा के ना डायरेक्ट मुझे वहाँ नहीं ले जा सकता, पहले मुझे उसको उठा के अपने डेस्कटॉप पे ला के छोड़ना होगा ताकि ये सेव हो जाए मेरे डेस्कटॉप पे, और उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ से जाके अपलोड मीडिया, ज़ाहिर उसको कैनवा पे मुझे अपलोड करना होगा, ये रिएक्ट डॉट वेब पी करके यहाँ पे लेकर आ गया मैं इसको, सही है। अब मैं इधर उधर ना रिएक्ट के लोगो बिखेर देता हूँ थोड़े, अच्छा इसके नीचे एक कंपोनेंट है इसको उड़ा देता हूँ, इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिएक्ट का लोगो आ चुका है मेरे पास। अच्छा शायद ये उस पूरे की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको भी उड़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं रिएक्ट का नॉट जेएस का इन सब का लोगो लगाता हूँ लाइन से। ठीक है अब मैंने कहा नॉट जेएस, ठीक है जी, अच्छा ये ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है, ये भी ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है, ये आ गया ट्रांसपेरेंट वाला भाई। ठीक है इसको मैंने क्या किया मेरे डेस्कटॉप पे लाके छोड़ दिया, उसके बाद मैं आ गया अपलोड मीडिया नॉट जेएस, ये भाई आ गया नॉट जेएस। अच्छा मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर है उससे थोड़ा ये मैच नहीं कर रहा ये नॉट जेएस वगैरह, ठीक है तो मैं इसके लिए भी एक जुगाड़ कर सकता हूँ, ये इसको मैंने कॉपी कर लिया ये जो पूरा पीस था, ठीक है और इसके अंदर मैं लगा देता हूँ इसको, और मैंने कहा सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड, तो ये भाई दोनों हमारे पास जो थे ना लोगो, ये दोनों लोगो अब इसके अंदर आ गए। ठीक है आप इसको थोड़े दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेम इसी तरह करें। ठीक है और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मोंगो डी बी लोगो पी एन जी, ठीक है मोंगो डी बी का भी मुझे ट्रांसपेरेंट लोगो मिल गया। ओके जनाब गलत कर दिया मैंने, सही है जी ये मोंगो डी बी आ गया मेरे पास। अच्छा इन सबको सेलेक्ट करके मैंने क्या किया, मैंने कहा ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद ये तीनों ना एक हो जाएगा बिल्कुल, मतलब तीनों ये फिक्स हो जाएंगे। अब जब इसको मैं मूव करूँगा तो ये तीनों के साथ ही मूव होगा। ठीक है ये मैंने एक छोटा सा टेम्पलेट बना दिया, इसको मैंने अब डाउनलोड कैसे करना है, शेयर का बटन प्रेस किया, और शेयर का बटन प्रेस करने के बाद डाउनलोड, और डाउनलोड में आपको कोई भी चीज़ छेड़नी नहीं है, बस डाउनलोड का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है ये मेरे पास भाई डाउनलोड हो गया, ठीक है ये डाउनलोड हो गया भाई। अब ये डाउनलोड होने के बाद गया कहाँ, मेरे डाउनलोड के फोल्डर्स में जाके सेव हो चुका होगा ये मेरे पास जो है ना ये डाउनलोड होकर आ गया।
ठीक है। अब इसको मैंने क्या करना है, सिंपली जाना है मेरे गिग में, जब जब मैं गिग बनाऊंगा उस पर जाके मैंने इसको क्या कर देना है, अटैच कर देना है। अच्छा, तो कोशिश करें आप, कुछ लोग ये कर रहे होते हैं कि ना ये वाला जो थंबनेल है ये इंटरनेट से उठा लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये 3D में बना हुआ है ना, ये वाला इस तरह के 3D भी डिज़ाइन उस पर पड़े हुए हैं कैनवा के ऊपर ना, तो आप कैनवा से आप बना लें, खुद बना लें बेहतर है। जैसे ये वाला देख रहे हो, ये हसीब अहमद करके जो बनाया हुआ है इस बंदे ने ये कैनवा से ही बनाया हुआ है, ठीक है। देख के मुझे फील हो रहा है कि अच्छा, अगर तो ये हो सकता है फ़ोटोशॉप भी आता हो इसको, तो फ़ोटोशॉप से बनाना है लेकिन काफ़ी मुश्किल है नस्बता, ठीक है। तो अब कोई भी अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन लेके ना आप नीचे से वेब एप्लीकेशन लिखा हुआ है, कुछ भी अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे लिख दें आप, ठीक है। टेम्पलेट्स में मैं दोबारा जाकर कोई दूसरा टेम्पलेट भी सर्च करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा भाई टेक लिखा मैंने, और टेक लिख के एंटर किया। कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर ये देख रहे हो, इस तरह का भी लोगो हो सकता है कि ऐसे लैपटॉप बनाओ, आप वेब डेवलपर हो, आपने नीचे लिखा यार मैं वेब डेवलपर हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, जो भी सोच सकते हो ना वो लिख के यहाँ पे सर्च करोगे तो आएगा, ठीक है। फ्रीलांस ये देख रहे हो, हर एस्पेक्ट रेशो में अलग अलग बना हुआ है, ये आ गया वो 3D वाला लोगो, ठीक है। ये 3D वाले लोगो को भी मैं क्या कर सकता हूँ, टेम्पलेट को मैं चेंज कर सकता हूँ, जो मर्ज़ी मैं इसमें लिखूँगा। अच्छा, ये प्रो वाला है तो मुझे ये करने नहीं देगा, वेल ठीक है, लेकिन ऐसे फ्री वाले भी मौजूद हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे एक, अच्छा ये भी प्रो वाला है, ये भी प्रो है। अच्छा, 3D वाले असल में बिल्कुल नए डिज़ाइन है, तो शायद वो सारे इस वजह से ना प्रो रखे हैं इन्होंने। हाँ, 3D जहाँ पर भी, ये वाला भी 3D है, देखो प्रो पे ये, वेल तो कोई मसला नहीं है, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, अगर चाहो तो ख़रीद सकते हो। मैंने तो नहीं ख़रीदा, मैं फ्री वाला यूज़ करता हूँ और काफ़ी सही हो जाता है उसके अंदर। अच्छा, तो हमने ये देख लिया कि वेब डेवलपर, हमने ये देख लिया कि यार कंटेंट राइटर जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं वो लोग किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ, तो अच्छा कुछ कमेंट्स मेरे पास लाइट ब्लू कलर के आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि ये कमेंट मार्क किए हैं किसी ने, प्लीज़ मुझे ये प्राइवेट चैट में बताइएगा। व्हाट डू यू डू इफ यू आर नॉट गेटिंग ऑर्डर्स, अच्छा हम ये भी देखते हैं चीज़ें सारी। अच्छा, अब हम उसके बाद बात करते हैं, अब मैं स्क्रीन अपनी रोक देता हूँ। देखें जी, अब ये तो बात हो गई हमारे पास फाइवर की। फाइवर कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे पास जिसके अंदर अप्रोच ऐसी होती है कि आप गिग बना के रखते हैं पहले से, और गिग बनाने के बाद, अच्छा मुझे लग रहा है शायद हमारे पास, अच्छा टाइम है अभी हमारे पास 7:30 तक का टाइम है ना, एक घंटा है हमारे पास, ठीक है। कि आप ना गिग बना के देते हैं कि यार मैं ये बनाऊंगा, ठीक है। ऑन अदर हैंड एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, अपवर्क नाम है जिसका, अब अपवर्क में क्या होता है कि ये वाला सीन नहीं होता कि आप किसी को बता रहे हो, उसमें आप जस्ट अपना ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं और कस्टमर पे डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करते हैं ना। अच्छा, कस्टमर डायरेक्ट कांटेक्ट आपसे करते हैं और कस्टमर आपको बोलते हैं कि भाई मुझे ये बनवाना है, आप क्या कर सकते हो। अच्छा, तो ज़रा मैं पहले तो अपवर्क को खोल के आपको दिखा देता हूँ कि अपवर्क दिखने में कैसा है, ठीक है जी। upwork.com, अभी मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ मैं ज़रा। अच्छा जी, अब मैं ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा भाई, ये जो है ना आपका अपवर्क, जब आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का दिख रहा होता है आपको अपवर्क।
अच्छा, इसमें आपको करना क्या होता है? सबसे पहले, सबसे पहले इसके अंदर आपने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना होता है। अच्छा, तो मैं अपनी प्रोफाइल नहीं खोलता, लेकिन मैं ज़रा ना कोई दूसरी प्रोफाइल सर्च कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि सर्च टैलेंट फॉर वेब डेवलपर, ठीक है, वेब डेवलपर सर्च कर रहा हूँ मैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे भी ना कैटेगरीज भी इन्होंने देखें शो की हुई है कि कस्टमर सर्विस का बंदा चाहिए आपको, डेटा साइंस का बंदा चाहिए, या आईटी नेटवर्किंग का, या सेल्स एंड मार्केटिंग का, या ट्रांसलेशन का बंदा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। वेब एंड मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैंने कहा वेब एंड मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे आ जाओ, ठीक है। अच्छा, अब आप नोट करें, सबसे पहली मेरे पास जो प्रोफाइल आई है वो सारा एम के नाम से है। ये इजिप्ट से प्रोफाइल है और इसने रेट लगाए हुए हैं $13, ठीक है। अच्छा, अभी करंट अर्निंग इसकी ये बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। तो करंट अर्निंग ज़ीरो वालों को हम नहीं देखते, हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अच्छा कमा रहे हैं अपवर्क के ऊपर, ठीक है। ऐसे लोगों को देखते हैं अच्छा कमा रहे हैं, और उन्होंने क्या प्रोफाइल बिल्ड की हुई है, वो उन्होंने क्या लिखा हुआ है अपनी प्रोफाइल में जिसकी वजह से उनको काम मिल रहा है, ठीक है। अभी किसी ने सवाल भी किया कि यार काम ही नहीं मिल रहा, ठीक है। 8K प्लस, अब ये कोई सर्गीस बी करके हैं, आर्मेनिया से इनकी प्रोफाइल है। अच्छा, इनको ज़रा देखते हैं खोल के इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने अभी तक अकॉर्डिंग टू अपवर्क $8,000 कमाए हुए हैं अभी तक, और टोटल 20 जॉब इन्होंने की है। तो टोटल 20 जॉब्स को आप अगर कन्वर्ट कर दें 8,000 पे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर जॉब या पर आवर ये क्या चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ज़रा यहाँ पे देखना शुरू करें। सबसे पहले तो इसकी प्रोफाइल, किसने लिखा हुआ क्या है। आई एम अ वेब डेवलपर विथ PHP JavaScript स्किल्स, ये भी PHP पे काम कर रहे हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये देखें, जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं ना, वो अक्सर PHP वगैरह पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो अभी हम नए वाली टेक्नोलॉजी को भी देखते हैं कि उस पर क्या मिल रहा है लोगों को। अच्छा, WordPress पे करते हैं, ये JavaScript पे करते हैं, Angular, React, Database, MySQL, Linux, Git, ये सब कुछ इनको आता है, ठीक है। आई एम अ सीरियस ऑनेस्ट एंड ऑलवेज मोटिवेटेड टू वर्क, माई मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड एक्सेलेंट सर्विस एंड प्रोफेशनल रिजल्ट। देखें, अब इसने ना बहुत टू दी पॉइंट और बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन बात की है। ये जो दो लाइन इसने लिखी है ना, ये दो लाइन मैं बोलता हूँ 2 लाख रुपए की है। जो अच्छा, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं भी लोगों की प्रोफाइल देखता हूँ, हो सकता है ये 2 लाइनें मैं कॉपी करके भी अपने प्रोफाइल में डाल दूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई है। अगर मैं कोई बायर होता ना, और मैं वाकई अभी सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आता अगर, तो ये 2 लाइन पढ़ के ना मैं इसको हायर कर लेता, क्योंकि इसने बोला है कि भाई आई एम ऑनेस्ट और सीरियस, ये कोई मस्ती मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है, सीरियस बंदा हूँ मैं, इधर पैसे कमाने के लिए आया हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं उसको पालना है मैंने, समझ रहे हो, इस तरह की इसने बात की है। और इसने कहा ऑलवेज मोटिवेटेड टू डू वर्क, कह रहा है कि मुझे काम करने के लिए मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पहले से ही मोटिवेटेड हूँ, सेल्फ मोटिवेटेड। और इस कह रहा है ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है कि एक्सेलेंट सर्विस प्रोवाइड करूँ आपको मैं। मिसाल के तौर पर कि जब आके कोई वेटर, जब खाना खाने आपके बैठे हुए रेस्टोरेंट में आप, तो वेटर से आप जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो यही एक्सपेक्ट करते हैं आप कि एक्सेलेंट सर्विस प्रोवाइड करें। मैं एक हल्का सा हाथ उठाऊं ना और वो भागता हुआ आ जाए वेटर, तो ये चीज़ चाहिए। तो आप देखें, इसने कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं की अपनी प्रोफाइल में। कुछ लोगों ने तो पूरे पूरे मजमून लिखे हुए होते हैं, इसने कोई लंबा मजमून नहीं लिखा और ये पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी प्रोफाइल को ही देखते हैं। अब हम देखते हैं कोई 8,000 से ज़्यादा वाला। अच्छा, ये अब आ गया 80K वाला, बांग्लादेश से ये प्रोफाइल है, 80K इन्होंने अर्न किया हुआ है, और टॉप रेटेड प्लस है ये, मतलब अच्छा काम हो रहा है इनका अपवर्क पे, मतलब टॉप रेटेड उन लोगों को करते हैं जो अच्छी तरह डिलीवर कर रहे होते हैं। जॉब सक्सेस स्कोर 97% है, कि 97% ऑफ द टाइम जॉब जो इसने ली थी वो कमिटमेंट पूरा किया इसने, ठीक है। चलते हैं जी इसकी प्रोफाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है इसने। अच्छा, इसने लिखा है कि यार मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, $50 ही घंटे के चार्ज करता है, वर्किंग फ्रॉम होम एंड प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। देख रहे हैं आप, जितनी भी सक्सेसफुल प्रोफाइल्स हैं ना, उसमें क्या बात लिखी हुई है इसने कि मैं बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिंस 2013 आई एम वर्किंग ऑन फुल टाइम वेब डेवलपमेंट, कि 2013 से ये फुल टाइम वेब डेवलपर है। अच्छा, अब देखें, इसने भी ज़्यादा लंबी बात नहीं की है,
छोटी सी बात की है उसने, आई हैव एक्सटेंसिव नॉलेज इन डेवलपिंग ई कॉमर्स एंड कस्टमाइज वेब एप्लीकेशंस यूजिंग PHP लारावेल फ्रेमवर्क एंड माई सीक्वल डेटाबेस। अच्छा अब देखें, दो ये तीन लाइन पढ़ने के बाद ना नीचे का पढ़ने में मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं आखिरी लाइन पे जाऊंगा सीधा, ठीक है। नॉट ओनली जस्ट हायर अ प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग बट यू आर ऑल्सो गारंटिंग योर सेल्फ अ फुल टाइम टेक सपोर्ट एरर फिक्सिंग एंड प्रोजेक्ट। अब देखो इसने ना लास्ट में बंदे को कंफर्ट दिया, इसने बोला भाई आप सिर्फ डेवलपर हायर नहीं कर रहे, कल को कोई फंसोगे भी, मसला भी होगा तो भी मैं इधर बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये वाला सीन है भाई। तो इसमें भी आपने क्या करना है, आपने इन प्रोफाइल्स को देखना है कि इन लोगों ने क्या ऐसा लिखा हुआ है कि जिसकी वजह से लोग इनको जॉब दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं आपको ये तो बता ही चुका हूँ कि, बल्कि अभी वो बिडिंग की तरफ जाते हैं ना, फिर वो आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ कुछ चार पांच प्रोफाइल हमने देख लिए, हमने गो थ्रू कर लिया, तो कोई मुश्किल बात नहीं है प्रोफाइल बनाना, किसी की भी प्रोफाइल जाओ देखो छाप दो एज इट इज़, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन उसमें झूठ नहीं होना चाहिए प्रोफाइल में, बात सिर्फ वही लिखी हुई होनी चाहिए जो वाकई आपको आती है, ठीक है। मिस कमिटमेंट मैंने शुरू में ही आपसे रिक्वेस्ट कर लिया, आपको मैं दीन भी बता दिया, इस्लाम क्या कहता है इस बारे में वो भी बता दिया, ठीक है। हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ भाई वो हरकतें करो जो आती हैं, ठीक है। इस तरह की बात ना लिखो इसमें जो आपको आती नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपको जॉब पकड़ में आ जाए। अब वो जॉब पकड़ में तो आ जाएगी, फिर होगा क्या बाद में, बेइज्जती होगी और, ठीक है। तो ये वाली हरकतें नहीं करनी। प्लीज़ फ्रीलांसिंग में एंटर होने से पहले कोई एक स्किल अच्छी तरह सीखें, उससे पहले आप फ्रीलांस में अकाउंट वगैरह बना लेंगे लेकिन होगा कुछ भी नहीं, बिलीव में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उल्टी आपकी बेइज्जती होगी, आपके मुल्क का नाम ख़राब होगा। अच्छा अब हम आ जाते हैं जॉब्स की तरफ, कि जॉब्स ऐसी कौन सी वाली हैं जिस में बिड कर, अपवर्क के अंदर सिस्टम ये होता है कि जॉब्स इसमें लिस्टेड होती हैं कि अच्छा ये जॉब्स हैं, ठीक है। फाइवर से डिफरेंट है ये। अच्छा ये भी मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि यार प्लेटफॉर्म का पता होना चाहिए आपको। अब जाहिर है ये छोटी एक शॉर्ट वेबिनार है, इसके अंदर मैं पूरा प्लेटफॉर्म डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये मैं बिगनर्स के लिए जस्ट बता रहा हूँ, जो बिगनर वाली चीज़ें हैं वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। जाहिर है एक छोटे वेबिनार में सब चीज़ें कवर करना पॉसिबल नहीं होता। होपफुली अगर मैं कोई फुल कोर्स लॉन्च किया अगर मैंने इन फ्यूचर, तो वो बता दूंगा मैं आपको, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई अभी मतलब पक्का प्लान नहीं है, वैसे तो है प्लान लेकिन अभी कोई फिक्स बात बता नहीं सकता, कमिटमेंट नहीं है। वेल तो उस कोर्स में फिर जाहिर है वो डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। अच्छा तो अब ज़रा देखते हैं भाई, मैं हूँ एक अदर चैटबॉट डेवलपर, तो मैं चैटबॉट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मेरी जो स्पेशलिटी है वो चैटबॉट है इस वक्त राइट नाउ, ठीक है, या वॉइस एप्लीकेशंस हैं। अच्छा अब मैं इसमें कोई अट्रैक्टिव जॉब देखता हूँ ज़रा। लुकिंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू बिल्ड व्हाट्सएप बॉट प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंटर किया मैंने इस पर, देखते हैं जी क्या बोलता है ये। सबसे पहले तो मैं देखूँगा पोस्टेड 5 hours ago, ये जॉब मेरे लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है, क्योंकि 5 घंटे पहले इस बंदे ने पोस्ट किया है और इसमें अभी तक प्रपोज़ल कितने आ चुके हैं वो भी नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है कहीं, 5 से 10 प्रपोज़ल आए हैं, ठीक है। अच्छा ये मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं बताएगा, एग्जैक्ट फिगर भी मुझे बता देगा अगर मैं पैसे दूंगा ना अपवर्क को, अपवर्क का एक प्रीमियम प्लान होता है, अगर मैं वो इसको दे दूंगा ना तो वो मुझे एग्जैक्टली बता देगा कि कितने प्रपोज़ल इस वक्त इसमें आ चुके हैं, ठीक है। द रेंज इंक्लूडिंग रेलेवेंट प्रपोजल्स डज नॉट इंक्लूड द प्रपोजल दैट आर विदड्रॉन डिक्लाइंड, ठीक है। तो अभी जो एक्टिव प्रपोजल हैं वो 5 से 10 के दरमियान हैं, ठीक है, कम लोगों ने इस पर बिडिंग की हुई है। मेरे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए है कि भाई फ्रीलांसिंग ऑन द स्पॉट बिजनेस है, ये बात प्लीज़ लिख लें आप लोग कि फ्रीलांसिंग ऑन द स्पॉट बिजनेस है। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि आप प्रोफाइल बना के छोड़ दें, चले जाएं, बंद कर दें, शादियों में घूमें जाके और पीछे से आपको आपका क्लाइंट मैसेज मारेगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, ठीक है। आपको घात लगा के बैठना होता है, ठीक है, अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है आपको घात लगा के बैठना पड़ता है, आपको स्नाइपर होते हैं ना, जो स्नाइपर बनना पड़ता है आपको, स्नाइपर्स की ट्रेनिंग आप देखेंगे ना, उनको 12-12 घंटे ना वो पड़े रहते हैं सीधे बिल्कुल और निशाना लगा के बैठे रहते हैं। अब उनको अगर सूसू भी आता है ना तो उनको पैंपर पे ना के लिटाते हैं कि भाई तू पैंपर में कर भाई, हिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिलेगा तो गोली खाएगा। वेल यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप हिलेंगे तो आप गोली खाएंगे, लेकिन ये है कि अगर आप कंप्यूटर के आगे नहीं बैठे हुए ना और ऑन द स्पॉट आपने काम नहीं किया कोई, तो फिर आप गए,
आपको कभी भी, आप कस्टमर पागल थोड़ी है, यानी आप जब जाके होटल में बैठते हैं आप वेटर को आवाज़ें देते रहें, फिर वेटर जो है ना आए ना 15 मिनट 20 मिनट के बाद आया, तो आपकी हटेगी या नहीं हटेगी? ठीक है, तो इसमें आपने जब बिड कर दिया तो आपके पास ना फ़ोन होना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है फ़ोन मेरा, फ़ोन होना चाहिए आपके पास जिसके अंदर, असल में बैकग्राउंड है ना तो वो समटाइम दिखता ही नहीं, ऐसा खाली आप दिखते हैं। आपके फ़ोन में अपवर्क की ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए, आपके फ़ोन में फाइवर की ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए, आपके पास इंटरनेट हर वक्त एक्टिव होना चाहिए इंटरनेट में, ये नहीं कि डेटा बंद करके घूम रहे हैं मज़े से। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था कि फ्रीलांसिंग ऑन द स्पॉट बिजनेस है। 5 घंटे वैसे थोड़ा शायद ज़्यादा टाइम हो गया, ऐसी जॉब्स पे रिस्पॉन्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जो 1 घंटे पहले पोस्ट हुई है या 15 मिनट पहले पोस्ट हुई है, मैं उसी वक्त अप्लाई करूँगा ना बंदे का रिप्लाई आ जाएगा, पक्की बात है ये, ठीक है। अब अच्छा, अब कल सुबह तक या कल रात तक जब इसके अंदर 20-25 और भी लोगों ने प्रपोज़ल भेज दिया होगा ना, तो फिर आपका कोई चांस नहीं है। अच्छा, अब मैं अगली बात ये पढ़ूंगा कि इसको चाहिए क्या। वी नीड टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट प्लेटफॉर्म। अच्छा, प्लेटफॉर्म बनाना है इसको, नहीं ये तो कुछ बड़ी बात कर रहे हैं। मैनेज कस्टमर सर्विस एंड बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग कंपेन्स, ठीक है, सही है, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है ये। दिस हैज़ टू बी मल्टीपल एडमिन एंड मल्टीपल यूज़र प्लेटफॉर्म। अच्छा, इसको शायद ख़ुद भी नहीं पता कि ये बनवाना क्या चाह रहा है, क्योंकि इसने जो ये बात लिखी है ये पॉसिबल नहीं होता व्हाट्सएप के अंदर। अच्छा, और इसने क्या बात लिखी है, अच्छा, लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट। इस जॉब को जो लास्ट उसने खोल के देखा है ना, वो 2 घंटे पहले खोल के देखा है उसने। 3 लोगों का इंटरव्यू भी कर रहा है, 4 लोगों को अलग से भी इनवाइट सेंड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों का मतलब कि मेरा क्लाइंट अभी बैठा हुआ है कंप्यूटर के आगे और वो डेस्परेटली देख रहा है, लुक कर रहा है कि कोई मुझे मिले ढंग का बंदा, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा इस तरफ थोड़ा देखते हैं। अच्छा, इस तरफ हमें क्या क्या देखना होता है, नंबर एक, कितने कनेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं। आमतौर पे 2 कनेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन इसने 4 रखा हुआ है, ठीक है। मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि यार मेरे पास ना सिर्फ बिल्कुल सीरियस बंदा जो है ना वही अप्लाई करे, तो वो फिर उसको कनेक्ट को 4 या 6 या 8 या 10 भी कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो 4 कनेक्ट का मतलब है कि ये 4 है सीरियस बंदे आए हैं। अच्छा, मेरे पास 144 कनेक्ट अवेलेबल हैं, ठीक है, मैं कर सकता हूँ बिड इसके ऊपर। अच्छा, पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड, यहाँ पे मसला आ गया ना। पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड का मतलब ये होता है कि इस बंदे ने, ये जो क्लाइंट है, इसने अपना क्रेडिट कार्ड अटैच नहीं किया हुआ अपवर्क के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड का मतलब है कि अगर मैं इसके लिए काम करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो मैं काम करने से पहले, काम स्टार्ट करने से पहले मैं इस बंदे को बोलूँगा कि भाई आप अपना पेमेंट मेथड वेरीफाई करो, जब ही मैं आपका काम स्टार्ट करूँगा, अदरवाइज़ मैं आपका काम स्टार्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट वाली बात है। अच्छा, अब अगली चीज़ इंडिया। इंडिया वाले के लिए काम नहीं करूँगा मैं, ठीक है। अच्छा, इंडिया वालों के लिए मैं क्यों नहीं काम करूँगा, देखो भाई, बात तो सच है लेकिन बात है रसवाई की, बतानी पड़ेगी। आम तौर पे अगर किसी जॉब पे मैंने अप्लाई किया ना और कोई अंग्रेज़ी नाम लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, और अगर सामने से बंदा बात करते करने के दौरान अगर बंदे ने ना बोल दी उर्दू, हाँ ये डू फाइवर है इस कैमरा, अभी इस कैमरे की बात चल रही है कि वो पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं होता तो फिर आपको गारंटी नहीं होती हुई। अच्छा, तो अगर उसने ना फ़ोन पे कॉल पे बात करते हुए या वीडियो कॉल पे या किसी पे भी अगर उसने उर्दू बोल दी ना, अगर या हिंदी बोल दी, तो मैं वहीं पीछे हट जाता हूँ। बहुत बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है ये, बहुत माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर कोई बंदा उर्दू में मुझसे बात कर ले, कोई क्लाइंट, तो मैं फिर कोशिश करता हूँ, मैं इधर उधर देखता हूँ कि कैसे मैं भागूँ यहाँ से, ठीक है। अगर तो मैंने पैसे नहीं लिए तो फिर मैं रिप्लाई नहीं करता, छोड़ देता हूँ। तो अब ये है भाई, मार्केट में सीन चल रहे हैं, इंडियन क्लाइंट और पाकिस्तानी क्लाइंट्स, इन दोनों से आप जितना बच सकते हैं बचें, माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, मैं क्या करूँ, मेरा जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ। क्योंकि पाकिस्तानी बंदा
दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए, उसकी जेब से पैसे नहीं निकलते भाई, उसकी जेब से पैसे नहीं निकलते। मैं बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे ये कहते हुए, लेकिन उसकी जेब से पैसे नहीं निकलते भाई। तो भाई अगर कोई भी बंदा ना, उसके लिखा हुआ कि इंडिया का बचो उससे, लिखा हुआ पाकिस्तान का बचो उससे, अगर अमेरिका भी लिखा हुआ है ना उसने बंदे ने, और वो उर्दू में आपसे बात कर जाए सामने से, उससे बचो, ठीक है, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है। हालांकि मैं खुद उर्दू में बात कर रहा हूँ, लेकिन यार अब ये हमारे बंदे कर रहे हैं ऐसा, तो मैं बोल रहा हूँ ना, क्या ही अच्छी बात हो कि हमारे बंदे सुधर जाएं, ये हरकतें करना छोड़ दें, लेकिन भाई करते हैं बंदे। अभी मैं आपको एक, हमारे हैं पाकिस्तानी हैं, उनके लिए किसी के रेफरेंस से उनके लिए मैंने काम कर दिया था, तो वो दुबई वगैरह में कहीं है, उनका अच्छा बिजनेस है, कनाडा में भी बिजनेस करते हैं वो, अमेरिका में बिजनेस करते हैं। तो उनके पास थोड़ी सी अमाउंट है, पैसे पूरे उन्होंने दे दिए, थोड़ी सी अमाउंट है, वो दे ही नहीं रहे। अब मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं 1-2 लाख रुपए के लिए क्या मैं इस किसी को मैसेज करूं रोज़ रोज़ कि यार आपने पैसे नहीं भेज पाए। तो बहुत मतलब दिमाग ख़राब होता है और कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तो अब मैं आगे क्या बात कर रहा था, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये तो भाई जॉब डिस्क्वालीफाई हो गई, इंडिया लिखा हुआ आ गया इस वजह से, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इंडिया मतलब इंडिया से कोई मतलब वो वाला सीन है कि यार नहीं दुश्मन मुल्क है ना, एक बेवकूफ़ी की बात है, दुश्मन मुल्क नहीं है ये, बंदे बड़े कमीने होते हैं इंडियन सारे, सही है, पाकिस्तानी भी बड़े कमीने होते हैं, ठीक है ना, दोनों ही हैं, दोनों एक ही हैं, मतलब एक ही है ना, पहले तो एक ही थे, अभी अलग अलग हो गए, लेकिन दोनों के दिमाग एक ही हैं, फितरत दोनों की एक ही है, तो इन दोनों से बचो भाई। अच्छा, 0% हायर रेट, ये भी एक अलार्मिंग चीज़ है, ज़िंदगी में इसने सिर्फ एक ही जॉब पोस्ट की है और किसी को भी हायर नहीं किया आज तक, ठीक है, स्मॉल कंपनी है इसकी, तो ये 0% हायर रेट वाले से भी थोड़ा आपको बचना है, कि कभी ज़िंदगी में इसने कोई बंदा हायर नहीं किया, इसको अपवर्क के प्लेटफॉर्म का सही तरह से पता नहीं होगा। चलो वेब डेवलपर लिख लेता हूँ, इसमें शायद अभी कोई जॉब सही आई भी नहीं है। अच्छा देखो, नोट करना, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल किया, मैंने उसके बहुत ज़्यादा नीचे स्क्रॉल नहीं किया, देखो 3 आवर अगो है ना, 5 आवर अगो है, अब इसके नीचे जो है ना, 5 आवर से भी पहली की जो जॉब है, सही है, जैसे ये 6 आवर है, 10 आवर अगो है, सही है, 7 आवर है, चलो 9-10 आवर तक भी चलेगा, ठीक है, ये जो है ना 12 आवर अगो, इस पे बिड करना बेवकूफ़ी है, ठीक है, टाइम ज़ाया करने वाली बात है। अच्छा चलो खोल के देख लेते हैं अंदर की क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये ज़ाहिर है आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगी, ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चलेगा। अब ज़रा देख लेते हैं ना, 10 से 15 प्रपोज़ल हैं, ठीक है, तो 15 प्रपोज़ल अगर आ चुके हैं इसके अंदर, और इस बंदे ने 8 लोगों का इंटरव्यू कर लिया, तो अब इसके अंदर इतना स्टेमिना नहीं बचा होगा कि ये फिर और लोगों का इंटरव्यू करे, अब आपसे भी सर मारे, बस ये जॉब समझो ख़त्म है, क्लोज़ हो गई है ये, ठीक है। 12 घंटे गुजर गए जॉब पोस्ट होने के बाद, उस जॉब के ऊपर बिडिंग करना बेवकूफ़ी है, उस जॉब पे कोई फ़ायदा नहीं है बोर्डिंग बिडिंग करने का, ठीक है, क्योंकि 20-25 प्रपोज़ल आने के बाद ना बंदे का दिमाग वैसे ही शॉर्ट हो चुका होता है। देखो इसने कनेक्ट भी 6 लगाए हुए हैं कि भाई कम से कम बंदे करें, उसके बावजूद 15 प्रपोज़ल गए हुए हैं इसके ऊपर। अब इसने पूरी ये मजमून लिखा है कि मुझे भाई ये चीज़ें चाहिए, लेकिन इसको पढ़ने में टाइम ज़ाया होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। बंदा भी अच्छा है, यूनाइटेड स्टेट्स का बंदा है, 9 जॉब कर चुका है, 56% हायर रेट है, यानी जिससे भी ये बात करता है ना, तो 50-50 चांसेस है कि उसको हायर कर लेगा ये, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर 10 लोगों से इसने बात की, तो 5 लोगों को हायर कर चुका है ये, ठीक है। 1K स्पेंट, $1,000 ये दे चुका है, 5 लोगों से इसने काम करवाया और उन 5ों को मिला के $1,000 दिए हैं, ठीक है, तो मतलब पैसे कोई खर्च कम करता है ये बंदा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता। $800 फिक्स किया हुआ है इसने कि भाई ये कितना सारा काम है, $800 फिक्स किया हुआ है। अच्छा, लास्ट व्यू बाई क्लाइंट 4 मिनट अगो। अच्छा, ये 4 मिनट अगो एक अलार्मिंग चीज़ है, इसका मतलब है कि अभी तक शायद इसको इसके मतलब का बंदा नहीं मिला। 4 मिनट अगो का मतलब है, बावजूद इसके कि 12 घंटे पुरानी जॉब है, लेकिन मैं बिड कर सकता हूँ, अभी अभी मैं बिड करूँगा, रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बंदा बैठा हुआ है, अभी भी बंदे को उसके मतलब का बंदा नहीं मिला, 8 लोगों से इंटरव्यू कर चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये भी हो सकती है बात कि शायद ये बंदा ना बहुत बाल की खाल निकाल रहा है, ठीक है, बहुत शायद बाल की खाल निकाल रहा हो, जब भी 8 लोगों का इंटरव्यू करने के बाद इसको बंदा नहीं मिला, ठीक है, तो स्टिल मैं इस पर अट्रैक्टिव नहीं हूँ स्टिल इस जॉब पे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यार 5 आवर 6 आवर पहले जो जॉब पोस्ट हुई है उसी पे ही आपको करना है, उससे ज़्यादा पुराने जॉब्स पे नहीं जाना, वो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। वेल, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेब डेवलपमेंट में असल में जॉब जो है ना थोड़ी ज़्यादा आई भी होती है, चैट बॉट तो नई टेक्नोलॉजी है ना, तो उस पर इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं होती हैं आमतौर पर, ठीक है। 37,000 जॉब्स आ गई हैं आपके पास। अब 37,000 जॉब्स इतनी होती है ना कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भी अगर फ्रीलांसिंग करने लग जाए ना, तो ये ख़त्म नहीं होगी, ठीक है, इतनी जॉब्स होती हैं ये। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है, मेरे पास मेरे ख्याल है 40% है शायद,
मतलब 20 करोड़ में से 40% लोग पढ़े लिखे हैं, तो 20 करोड़ का 40% कितना बनता है? 8 करोड़। ठीक है, तो 8 करोड़ बंदे अगर लग जाए ना कंटिन्यूसली शुरू हो जाए, तो ये इतनी है ना 37,000 जॉब की, ये ख़त्म नहीं होती, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर में आपको 20 से 25 लोग चाहिए होते हैं इन जनरल। ठीक है, जिसमें डिज़ाइनर भी शामिल होता है, डेवलपर भी शामिल होता है, पूरी एक टीम होती है। अच्छा, ये भाई आ गई सबसे पहली जॉब, 3 आवर अगो, 3 घंटे पहले पोस्ट हुई है। खोलते हैं जी इसको, क्या रिपोर्ट है इसकी। ठीक है, पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड। इसके लिए अगर मैं काम करूंगा इसको, मैं बोलूंगा भाई वेरीफाई कर इसको फटाफट। ठीक है, उससे पहले मैं काम नहीं करूंगा। अच्छा, ये इसने लिखा है भाई डेवलपर्स फर्स्ट MVP। MVP वो होता है कि मिनिमल वायबल प्रोजेक्ट, कोई चीज़ सोची हुई है उसका प्रूफ बनाना है कि अच्छा यार ये वाकई हो सकती है या नहीं। वर्क क्लोजली विद द को फाउंडर्स, डिजाइनर्स एंड बैक एंड इंजीनियर्स, जिन लोगों ने कंपनी बनाई है उन्हीं के साथ काम करना है आपको। बी फ्लेक्सिबल कोलैबोरेटिव व्हेन इट कम्स टू चेंजेस इट प्रोडक्ट चेंजेस इन प्रोडक्ट डायरेक्शन। अच्छा, प्रायोरिटाइज द शिपिंग फास्ट ओवर गेटिंग थिंग्स पिक्सल परफेक्ट। कह रहा है भाई जल्दी चाहिए और पक्का चाहिए काम, ये ना उड़ता हुआ काम नहीं चाहिए, क्या कोई चीज़ उड़ के इधर भाग रही है उधर भाग रही है, पक्का काम होना चाहिए। टाइमलाइन क्या है भाई, आइडियल अराउंड 15 जून, 15 जून से ये चाह रहा है कि स्टार्ट हो जाए काम मेरा। ड्यूरेशन जो है वो 3 से 5 मंथ हो सकती है। ठीक है, 40 आवर प्लस इसको चाहिए, मतलब दिन रात जितना लगा सकते हो आप काम करो उसका, आप इसको मतलब कोई लिमिट नहीं है। प्रोपोजल के अंदर आप देखें 50+ हो चुका है ये। अब ये जॉब आपकी ना अट्रैक्टिव नहीं रही, मेरे लिए अट्रैक्टिव नहीं रही। नंबर एक तो पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है, हायर कभी भी इसने किसी बंदे को नहीं किया। जॉब की डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी है, ठीक है, पैसे भी बहुत अच्छे दे रहा है, $40 से $50 पर आवर ये दे रहा है, लेकिन मसला ये प्रपोजल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, लास्ट व्यू बाय क्लाइंट 3 मिनट अगो, 3 मिनट पहले इसने देखा है, इंटरव्यू एक का भी नहीं किया, तो मेरा ख्याल है शायद ये पता नहीं टेस्ट कर रहा है, शायद इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन लगा के, इतने अच्छे रेट लगा के ना ये देख रहा है कि प्रपोजल कैसे आते हैं, क्या आते हैं, नहीं आते हैं। हो सकता है ये अभी तक प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर रहा है, तो मेरे लिए अट्रैक्टिव नहीं है जॉब। आगे चलते हैं भाई, तो आप नोट कर रहे हैं असल में जो बिडिंग है, ये सीक्रेट्स ऑफ बिडिंग हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई बिडिंग करने का जो तरीका है ना वो ये नहीं है कि आप आए यहाँ पे और ठक 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 बिडिंग करना शुरू कर दी। आपको अट्रैक्टिव जॉब तलाश करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम ज़रा अगली पे। इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, $50,000 ये खर्च कर चुका है बंदा। ठीक है, अच्छा बंदा लग रहा है, चलो भाई $50,000 ये खर्च कर चुका है अभी तक। क्या कह रहा है, लुकिंग फॉर डेवलपर विद स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इन रिएक्ट नॉट जी एस अपोलो ग्राफ क्यू एल, वी आर लुकिंग फॉर रिलायबल सीनियर डेवलपर। ठीक है भाई, सब कुछ चाहिए उसको। ठीक है, स्टोरी बोर्ड पर काम कर चुका हो, राइट। अच्छा, अब ये देखें, ये भी एक चीज़ करते हैं लोग आमतौर पे, कह रहा है एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली इन इंग्लिश, इंग्लिश में अच्छे से बात कर सकता हूँ, डिक्टेशन टू मीटिंग प्रोजेक्ट डेडलाइन टाइमली मैनर। ठीक है भाई, कह रहा है टाइम पे हर चीज़ हो जानी चाहिए, टाइम आगे पीछे नहीं करना। राइट, आई एम अ ट्रू एक्सपर्ट एट रिएक्ट नॉट इन द टॉप ऑफ द प्रपोजल। कह रहा है जब आप प्रपोजल करोगे ना यहाँ पे, भेजोगे बिड लगाओगे जब, तो ये वाली लाइन ना सबसे पहली लाइन में लिख देना। ठीक है, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि ये डिस्क्रिप्शन तुमने पूरी तरह पढ़ी है। अब देखो आमतौर पे लोग ये करते होंगे ना, जब भी तो इसने लिखा है, लोग बगैर पढ़े ठक ठक बिड मारते होंगे। ठीक है, एक ही फिक्स लिखा हुआ है आपने, उसी को बिडिंग मारते चले जाओ आप, तो इस तरह से ना नहीं होगा, मसला हल नहीं होगा। ठीक है, आपको प्रॉपर पढ़ना है। अच्छा, रेट ये थोड़े कम दे रहा है, कह रहा है यार $8 से लेकर $15 तक मैं दूंगा रेट आपको। ठीक है, अच्छा, यूक्रेन का बंदा चाहिए इसको, लोकेशन भी यूक्रेन चाहिए, तो हो सकता है मुझे ये हायर ना करे, क्योंकि ये बंदा है कहाँ का, ये बंदा यूनाइटेड स्टेट्स का है, तो इसको यूक्रेन का बंदा चाहिए। ठीक है भाई, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन। अच्छा, इंटरव्यू इसने एक का भी नहीं किया और प्रपोजल इसमें आए हुए लेस देन 5, क्या बात है, ये बहुत अट्रैक्टिव जॉब है। प्रपोजल 5 आए हुए, बंदे ने 2 मिनट पहले खोल के देखा है अभी, कि यार ये जॉब इसने 2 मिनट पहले खोल के देखी है। अभी मैं इस पर बिड करूंगा ना, अभी इसका रिप्लाई आ जाएगा, क्योंकि ये डेस्क पे ही बैठा हुआ है। 2 मिनट अगो का मतलब ये है कि अभी बैठा हुआ है ये। ठीक है, इंटरव्यू किसी का भी नहीं किया, प्रपोजल कोई इसके पास ढंग के आए नहीं अभी तक, 4-5 लोगों ने ही प्रपोजल किया है। अच्छा, अब ज़रा इधर की चीज़ें देख लेते हैं। अवेलेबल 6 कनेक्ट इसको रिक्वायर्ड है, आप नोट कर रहे हैं, 6 कनेक्ट इसने इसलिए लगाए हैं ताकि बिल्कुल सीरियस बंदा है, जिसको बिल्कुल आता हो, जिसको पक्का पक्का पता हो कि मैं हायर हो जाऊंगा, वही अप्लाई करें, बाकी लोग बेवकूफ़ी में आके अप्लाई ना करें। 113 लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं इसको, 113 लोगों से ये काम करवा चुका है, सब ने कहा है कि अच्छा बंदा है ये। 316 जॉब इसने पोस्ट की है। ठीक है, 59% हायर रेट है इसका। 59% का मतलब है कि 10 लोगों से बात करता है तो 6 लोगों को हायर कर लेता है ये। ठीक है, जिससे बात करता है उसको 6 लोगों को हायर कर लेता है। 232 लोगों को हायर किया इसने आज तक, जिसमें से 43 अभी एक्टिव हैं।
टोटल $50,000 ये खर्च कर चुका है इन 232 लोगों के ऊपर, ठीक है। एवरेज जो ये आवरली रेट देता है वो $12 देता है। अच्छा, कुछ इसमें डिटेल ऐसी है ना जो सिर्फ मेरे पास शो हो रही है। रीज़न उसका ये कि मैं टॉप रेटेड डेवलपर हूँ, तो ये हो सकता है ये सारी डिटेल आपके पास शो ना हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये आवरली रेट शायद आपके पास ना आ रहा हो कि ये कितना आवरली रेट आमतौर पर देता है। ये टॉप रेटेड होने की वजह से शायद मेरे पास आ रहा है। वेल, हो सकता है आप ही रहो, नॉट श्योर। ठीक है जी, $12 ऑन एवरेज ये लोगों को पे करता है, ठीक है। तो ये जॉब तो बहुत अट्रैक्टिव है। अच्छा, मेरे पास जो है भाई पावर फेलियर हो चुका है, तो मैं अपना ना कैमरा ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास पावर फेलियर आ चुका है। अच्छा, ये भी एक बात है करने वाली कि आपके पास ना पावर का पक्का जुगाड़ हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास लाइट जा चुकी है, लेकिन मेरा मतलब मैं अगर किसी ऑनलाइन मीटिंग में होता अभी, तो वो मीटिंग डिस्टर्ब नहीं होती, ठीक है। वो मीटिंग बिल्कुल सही चल रही है जैसा उसको चलना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे किया हुआ है मैंने, आपको भी ये करना है, कुछ ना कुछ करना है, ये काम आपको करना है। आपके लैपटॉप में चार्ज आपके होना चाहिए इतना कि 2-3 घंटे तो ये आपको मना ना करें, ठीक है ना। आपका लैपटॉप 2-3 घंटे अगर आपको एक्स्ट्रा चलाना पड़ जाए कभी, तो आपसे वो कोई ये ना बोले कि यार मैं तो चल ही नहीं रहा, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास जो पावर का जो बैकअप है, ख़ास तौर पे इंटरनेट का जो पावर है आपका, ठीक है। अब बड़ा वो सस्ता सा आजकल हल आ गया, वो छोटा सा उसके अंदर UPS होता है जो राउटर के साथ लगता है, वो आप लाके लगा दें। 1500 रुपये का ख़रीदा था मैंने, वही चल रहा है पीछे भी, ठीक है। तो वो 3-4 घंटे आपका इंटरनेट बंद नहीं होता फिर, ठीक है। 3-4 घंटे बहुत होते हैं, फिर इतने में तो लाइट वापस आ जाती है हमारे यहाँ आजकल। अच्छा, तो सिर्फ इस वाले जो जॉब में सिर्फ एक मसला है कि इसको बंदा यूक्रेन का चाहिए, बाकी तो सारी चीज़ें इसकी अट्रैक्टिव हैं, सारी चीज़ें ओके हैं। अच्छा, अब हम ज़रा बात करते हैं कि जब अप्लाई आप करेंगे तो आपको क्या बात करनी है, ठीक है। अब हम ये जो बात करने जा रहे हैं, हम ये बात करने जा रहे हैं कि योर कस्टमर इंटरेस्ट, कि आपका कस्टमर क्या सुनना चाहता है आपसे, ठीक है। आपका कस्टमर जो सुनना चाहता है ना, आप उसको वही सुनाएंगे तो वो आपसे बात करेगा, वरना वो आपसे बात नहीं करेगा, ठीक है। मैं ज़रा एक दफ़ा देखता हूँ कि मैंने भी अपनी स्क्रीन शेयर बंद किया। अच्छा, तो अब आपका कस्टमर सुनना क्या चाहता है, ठीक है, योर कस्टमर इंटरेस्ट। अच्छा, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया, मुझे क्वेश्चंस भी लेने हैं, मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ इसको निपटाने की। वेल, आपका जो कस्टमर है ना, वो ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप कितने बड़े तुर्रम खान हैं, आपने क्या मास्टर्स किया हुआ है, आपने कितने बड़े बड़े तीर मारे हुए हैं, आपने दुनिया फतह की हुई है। आपका कस्टमर ये सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये बात समझ लें अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छा, जाहिर है वो पहले मेक श्योर तो करेगा कि आप कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है, ठीक है। ये तो वो मेक श्योर करेगा, ये तो आपने उसको अपना गिटहब भेजा, अपना स्टैक ओवरफ्लो आपने भेजा, अगर कोई पहले आपने प्रोजेक्ट किए हैं तो वो आपने उसको भेजा, यहाँ तक बात सही है, ठीक है। लेकिन जाहिर है वो तो आपकी आपकी जो प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं पहले से, ठीक है। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई अपवर्क के ऊपर जो प्रोफाइल 4-5 हमने गो थ्रू करके देखा था कि वो 4-5 जो है तो 4-5 अकाउंट हमने गो थ्रू करके देखे थे कि लोगों ने ज़्यादा लंबे मजमून नहीं लिखे हुए थे, ठीक है। लेकिन मैं ये रेकमेंड करूँगा कि वहाँ पे एटलीस्ट आपको ना अपने अपवर्क और स्टैक ओवरफ्लो का अकाउंट लगाना चाहिए, और आपने पहले से जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसका अगर आप जिक्र करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आपको आपके जॉब मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब जबकि आप प्रोजेक्ट ढूंढ लिया, आपको अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट मिल गया, अब आप जा रहे हैं बिड करने। अब बिड करते हुए आपको अपने बारे में 3 लाइन के अंदर ही अंदर लिखना है जो भी लिखना है। अगर आपने अपने बारे में 3 लाइन से ज़्यादा लिखा ना, तो उसकी हट जाएगी कस्टमर की, ठीक है। अच्छा, मैं आमतौर पे क्या करता हूँ, मैं आमतौर पे ये करता हूँ, अच्छा तो कस्टमर को सुनना क्या है, ये भी तो पता चले ना। जब मेरे बारे में जब वो सुनना ही नहीं चाह रहा, तो वो सुनना क्या चाह रहा है भाई। वो सुनना चाह रहा है अपने प्रोजेक्ट के बारे में, वो सुनना चाह रहा है अपने प्रोजेक्ट के बारे में। अगर मैं ये अभी जो जॉब मैंने ओपन की हुई थी इसकी अगर मैं बात करूँ, तो ये कह रहा है कि वी आर लुकिंग फॉर अ रिलायबल सीनियर फुल स्टैक डेवलपर हु इज़ वेरी गुड एट रिएक्ट नॉट जेएस एंड अपोलो एंड ग्राफ क्यूएल एंड स्टोरी बोर्ड, ठीक है। तो ये इस बारे में सुनना चाह रहा है
कह रहा है कि दिस प्रोजेक्ट शुड बी बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, सो वी रियली वॉन्ट ट्रू एक्सपर्ट्स बिल्ड द वेल स्ट्रक्चर्ड कोड. टू बी द बेस्ट फिट फॉर दिस प्रोजेक्ट यू नीड एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली इन इंग्लिश और डिक्टेशन और ये वो. अच्छा, तो अब इसने ना अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, लेकिन आमतौर पे ना लोग अपने प्रोजेक्ट का भी जिक्र करते हैं कि हम क्या बना रहे हैं. आपका कस्टमर जो है, आपने जब प्रोपोजल लिखना है अपने बारे में दो तीन लाइनें लिखनी है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना आपने. ठीक है, अच्छा अगर आप मज़ीद अपने बारे में लिखना चाह रहे हैं, कोई बहुत लंबा मज़मून है आपके बारे में, तो वो आप प्रोपोजल के बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे. ठीक है, अच्छा मैं आमतौर पर यही करता हूँ, मैं लास्ट में कहता हूँ अबाउट मी, और अबाउट मी करके फिर अपना पूरा मज़मून लिखता हूँ जो अपने बारे में. ठीक है, ताकि अगर मतलब उसको पता हो एग्जैक्टली कि ये जो पैराग्राफ है ये डेवलपर ने अपने बारे में लिखा है. अगर वो नहीं पढ़ना चाह रहा, ना पढ़े उसको. ठीक है, उसको पता हो गया अच्छा यार ये मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं ना पढ़ूँ, कोई इशू नहीं है. लेकिन जो टॉप पे मैं जो बात लिखूँगा वो मैं ये बात लिखूँगा कि जो टेक्नोलॉजी उसको चाहिए वो मुझे आती है, मैं उसको ये यकीन दिलाऊंगा कि वो मुझे आती है टेक्नोलॉजी. ठीक है, अब मैं कैसे यकीन दिलाता हूँ, मैं उसको कोई पुराना प्रोजेक्ट अपना लिंक भेजता हूँ, या अपना मैं उसको गिटहब दिखाता हूँ, या अपना स्टैक ओवरफ्लो दिखाता हूँ, ये सब चीज़ें कुछ भी करके मैं उसको क्या करूँगा, यकीन दिलाऊँगा कि यार ये प्रोजेक्ट जो तुम्हारा है, ये टेक्नोलॉजी जो है, ये मैं कर सकता हूँ. ठीक है, अच्छा अगर तो उसने अपने प्रोजेक्ट की डिटेल बताई है कि भाई मैं एक परचून की दुकान खोली हुई है मैंने, उसके बारे में मैं सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, तो आप जितना हो सके उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करें कि यार अच्छा भाई ये जो तूने प्रोजेक्ट बोला हुआ है ये मैंने पहले भी बनाया है, सही है, फलां कोई कंपनी थी उसके लिए मैंने सिमिलर प्रोजेक्ट बनाया था. ठीक है, अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसको आप बताएं कि मैंने इससे पहले हेल्थ में क्या किया हुआ है. ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरी अम्मी डॉक्टर हैं, तो मैं उसको बताता हूँ, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड होता है कि भाई मेरी अम्मी वैक्सीनेटर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो मुझे हेल्थ का काफ़ी पता है, हॉस्पिटल जाना आना होता रहता है मेरा, तो मुझे आइडिया है कि हॉस्पिटल में क्या मसले मसाइल होते हैं. ठीक है, जो ऑनेस्ट बात है, झूठ भी बोलना आपने. ठीक है, झूठ बोलने की बेवकूफ़ी करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि झूठ छुपता नहीं है ना. फिर मिसाल के तौर पर उसने क्रॉस क्वेश्चन, पता चला वो भी सामने से वैक्सीनेटर है, वो कह के यार ये मुझे ज़रा बताओ BCG लगता कैसे तो आप ठंडे हो गए. ठीक है, मैं मुझे तो पता है ना वो स्किन में लगता है, तो मैं बताऊंगा उसको. तो आपको झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन एक क्वेश्चन करेगा ना, सब पता चल जाता है उससे, तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, या मिसाल के तौर पर मेरे अब्बू का केमिकल का काम है, तो अगर कोई केमिकल से, केमिस्ट से रिलेटेड कोई सवाल पूछ रहा है, अगर कोई उस तरह की ऐप बना रहा है, तो मैं उसको बताता हूँ यार मेरा तो बचपन ही गुजरा है केमिकल्स के दरमियान, तो मुझसे ज़्यादा केमिकल का किसको पता होगा. ठीक है, तो इस तरह करके आप उसको मोटिवेट करें, कन्विंस करेंगे कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि देखें अच्छा ये तो हो गया प्रोपोजल की बिड की बात, बिड आपने भेज दिया, सेंड कर दिया. अब अगर आपसे वो वीडियो कॉल पे आता है ना आपके पास, जैसे मैं अभी आपके सामने हूँ ना, ऐसे वीडियो कॉल पे वो आ जाता है फौरन, कहता है यार अच्छा भाई अब हम बात करना चाह रहा हूँ मैं, तो वो पहले तो आपको बोलेगा अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ तुमने किया क्या है ज़िंदगी में. ठीक है, उसके बाद आपसे वो पूछेगा अपने बारे में बताओ. अच्छा, जब तक आप अपने बारे में बात कर रहे होंगे ना, वो ऐसे आराम से ना यूँ बैठा हुआ होगा, यूँ. अच्छा, जैसे ही आप उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करना शुरू करेंगे ना, वो यूँ हो जाएगा. सही है, तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा. तो कस्टमर सिर्फ एक बात सुनना चाह रहा है, ठीक है, कि वो जो प्रोजेक्ट बना रहा है ना उसके बारे में बात सुनना चाह रहा है. मिसाल के तौर पे अगर कोई टैक्सी की ऐप बना रहा है, तो जाहिर है उसने ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा रहा है अपनी वो. ठीक है, कोई मजाक बात नहीं है, अपनी हार्ड अर्न मनी जो है उसके ऊपर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रहा है. ठीक है, तो वो ये सुनना चाहता है. अच्छा, आप जाहिर है आप उसको ये भी नहीं बोल सकते कि तू गलत कर रहा है, क्योंकि जाहिर है वो जो काम कर रहा है उसी से तो आप पैसे कमा रहे हैं, वो आपको काम करवा रहे हैं आपसे, तो आपको पैसे मिल रहे हैं ना. तो आपको, मेरा जो तरीका है आमतौर पे जो मैं करता हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्रिटिसाइज़ भी नहीं करना कि यार ये तो, मतलब कुछ बंदे होते हैं ना बिल्कुल ही वाहियात किस्म का कोई आइडिया लेकर आ जाते हैं. ठीक है, जो मेरे समझ में आ रहा होता है यार क्या ये बनाने जा रहा है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है. लेकिन अगर आपने उसको डायरेक्ट बोला ना कि अबे यार ये क्या कर रहा है तू, तेरे से बड़ा तो बेवकूफ़ कोई नहीं है, तो वो कहेगा तू तेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, वो भाग जाएगा एक में. वो कहेगा तुझे पता ही नहीं है मैं मतलब इतना बड़ा तुर्रम खान हूँ, मैंने ज़िंदगी पूरी लगा दी अपनी, और तू मुझे कह रहा है कि ये आइडिया सही नहीं है, टैक्सी की ऐप तो सबसे बेस्ट ऐप होती है. ठीक है ना, तो आपको जो है ये वाला काम नहीं करना, डायरेक्ट उसको मना नहीं करना. हाँ, लेकिन जहाँ पे वो कुछ गलत कर रहा है वहाँ पे उसको इम्प्रूव करवाना है. आप उसको इस तरह बोलेंगे कि यार आप इस तरह नहीं, इसको अगर ऐसे कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है, अच्छा रहेगा. ठीक है, अगर वो बोलता है हाँ सही है तो ठीक है, अगर वो बोलता है नहीं नहीं जो मैंने सोचा वही सबसे बेस्ट है, तो ठीक है भाई वही सबसे बेस्ट है. तो
तो आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपका काम ये है कि आप उसको अच्छी से अच्छी सर्विस दें, ठीक है। आपका काम ये है कि जहाँ पे वो स्टक हो रहा है, जहाँ पे कुछ आगे पीछे, उसको सोचने में सपोर्ट करें आप, ठीक है। जितनी अच्छी सर्विस आप देंगे आपका बिज़नेस उतना अच्छा चलेगा, क्योंकि फ्रीलांस सर्विस बेस्ड बिज़नेस है, ठीक है जी। तो आपका क्लाइंट जो है ना वो यही सुनना चाह रहा है बस, और कुछ भी नहीं सुनना चाह रहा। उसके अलावा प्लेटफॉर्म पर हम वापस आ जाते हैं। मेरा ख्याल है इसमें अब कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई जो डिस्कस करने वाली प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। ज़रा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे प्रोपोज़ल लिखेंगे ना, अप्लाई का बटन दबाएंगे जब, तो अप्लाई का बटन दबाने के बाद, ठीक है, ये प्रोपोज़ल की सेटिंग आ गई मेरी, ठीक है। ये है कवर लेटर। कवर लेटर में अब ये मैंने आवरली रेट मेरे पहले से लिखे हुए आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे इस बंदे से मैं चलो कम चार्ज कर लेता हूँ, 80 चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है। तो 80 लिख के भेज दूंगा मैं उसको, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, ये वही बात लिखी हुई आ गई जो जॉब में लिखी हुई आ रही थी। अब यहाँ पे ना कवर लेटर है। अब इस कवर लेटर में मैंने इसके प्रोजेक्ट के हिसाब से बात लिखनी है, ठीक है। तो मैंने कुछ इसके प्रोजेक्ट के हिसाब से लिखा, नंबर एक बात। उसके बाद मैंने कहा अबाउट मी, और यहाँ पे फिर मैंने ना अपने बारे में जो भी मजमून मैंने लिखना है, जो भी बात लिखनी है बड़ी सारी, वो मैंने बाद में लिखनी है। अच्छा, आपका कस्टमर फारिग नहीं है, ये जहन में बात डालना है। आप ये जो कवर लेटर लिख रहे हैं ना, इसके शुरू की 3 लाइनों में आप या तो कस्टमर को पालेंगे या तो खो देंगे। ये कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वो शुरू की 3 लाइनों से ज़्यादा नहीं पढ़ेगा। आमतौर पे वो नहीं पढ़ता क्लाइंट आपका, ठीक है। शुरू की 3 या 4 लाइन पढ़ेगा, उसमें ही वो आपको जज करेगा कि अच्छा यार ये बंदा काम का है या नहीं है। अगर वो 3 लाइनों में आपने उसको खो दिया तो वो आगे की बात ही नहीं पढ़ेगा आपकी, बेवकूफ़ी की बात है, ठीक है। अबाउट मी पे हो सकता है अबाउट मी तक वो जाए ही ना, सही है। तो ये हमने क्या सीख लिया कि जब भी आप कवर लेटर लिखेंगे, ये जब प्रपोज़ल भी इसी को बोलते हैं, बिडिंग भी इसी को बोलते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसी के, तो ये कवर लेटर में आपने ऐसी बात लिखनी है कि शुरू की 3 लाइन पढ़ने के बाद आपका कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए। कस्टमर की अट्रैक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, कस्टमर का इंटरेस्ट किस में है, जो काम वो करने जा रहे हैं ना उसमें इंटरेस्ट है उसका, ठीक है। आप उसको बताओगे यार मैं फला जगह में ये कॉफ़ी की मैंने पूरी शॉप चलाई है, मैं पूरा ऊबर का बिजनेस चला रहा था मैं, ठीक है, मेरी फला इतनी बड़ी गोश्त की दुकान थी, मैं वहाँ से करोड़ों का मतलब ये बेवकूफ़ी की बातें हैं सारी, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है शायद हम अपने बारे में जब बताएंगे ना, कॉम्पिटेंसी बताएंगे अपनी, तो कस्टमर को हम पे बिलीव होगा, कस्टमर हमसे मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। बेवकूफ़ी की बात है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कस्टमर आपसे सिर्फ एक ही चीज़ पर अट्रैक्ट होगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कस्टमर के साथ अपने फ्रीलांस कस्टमर्स के साथ 2-2 घंटे उनके आइडिया पे डिस्कशन हुई है हमारी, 2-2 घंटे, ठीक है। कि भाई एक आइडिया बनाना चाह रहा है एक बंदा, अपने कॉफ़ी शॉप के लिए चैट बॉट बनाना चाह रहा है, ठीक है। तो अब उसमें डिस्कशन हो रही है कि यार इसमें पेमेंट कैसे होगी, एक्सेप्ट क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इस पर 2-2 घंटे डिस्कशन। अच्छा, मैं अब ये भी नहीं कहूँगा आपसे कि आप 2-2 घंटे करें, क्योंकि कुछ लोग टाइम ज़ाया करके भी चले जाते हैं, ठीक है। तो आप 2-2 घंटे ना करें, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि डिस्कशन की ज़रूरत है तो मैं करता हूँ बिल्कुल। तो ये कवर लेटर लिख के, सब कुछ लिख के आपने क्या कर देना है, आपने यहाँ पे जाके सेंड का बटन दबा के और ठंडे हो जाना है, ठीक है। अच्छा, बूस्ट योर प्रपोज़ल का भी एक नया ऑप्शन इन्होंने दिया है, ये पहले मौजूद नहीं था यहाँ पे। मिसाल के तौर पे 6 कनेक्ट लगाए हुए ना, आप 6 को ना 9 कर दें, ठीक है। 6 कनेक्ट रिक्वायर्ड थे, आप 9 कर दें, उससे होगा क्या कि आपका प्रपोज़ल ऊपर आ जाएगा। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि इसके बारे में कि इससे कुछ होता भी है या नहीं होता, क्योंकि इस फीचर को अभी तक मैंने खुद भी ट्राई नहीं किया, ये बिल्कुल नया फीचर है, ठीक है। तो मैंने 9 कनेक्ट करके उसको कर दिया, ठीक है। हालांकि रिक्वायर्ड इसमें 6 कनेक्ट्स हैं, इसके यहाँ पे लिखा हुआ था ना कहीं पे 6 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड। बिड ऑन 3 बूस्टर्ड स्पेयर, पता नहीं क्या, खैर शुरू में मैंने देखा था 6 कनेक्ट लिखा हुआ था, ठीक है। सेंड का बटन आप दबाएंगे कि सेंड हो जाएगा, उसके बाद आपने ठंडे होकर बैठ जाना है, उस बंदे के रिप्लाई का जब इंतज़ार करना है। आपके पास आपके मोबाइल ऐप के अंदर अपवर्क और फाइवर दोनों की ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए। जैसे ही वो बंदा आपको मैसेज करेगा फ़ोन के ऊपर, आपने फ़ौरन फ़ोन से उसको जवाब देना है, फ़ौरन जवाब देना है। अगर उस बंदे का मैसेज आया और आपने 10 मिनट के अंदर अंदर उसको जवाब नहीं दिया, तो वो कस्टमर आपके हाथ से गया, आप भूल जाएं अब उस कस्टमर को कि वो वापस आता है आपसे, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप बाहर हैं कहीं, आप दोस्तों के साथ बैठे हुए, आप कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ लिमका पी रहे हैं, आप बाहर बैठ के कुछ चाय वाय पे बैठे हुए हैं, आप उसको एटलीस्ट ये मैसेज करके बताएं कि भाई अभी मैं चाय पे बैठा हुआ हूँ, मैं 1 घंटे बाद घर जाऊँगा,
या 1 घंटे बाद ऑफिस जाऊंगा तो फिर मैं आपसे बात करूंगा, उसको एटलीस्ट आपने ये बताना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप हॉस्पिटल में आईसीयू में खड़े हैं, ठीक है, आपके घर का कोई बंदा बीमार है। अभी मेरे साथ भी बल्कि मेडिकल सिचुएशन हुई हुई है, वाइफ की मेरी तबीयत थोड़ी मतलब थोड़ी मेडिकल सिचुएशन हुई हुई है। वेल, तो आप अगर हॉस्पिटल में भी बैठे हुए हैं ना और आपके कस्टमर का मैसेज आया है, तो आपने उसको कुछ ना कुछ जवाब देना है, वहाँ पे भी देना है, ठीक है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपका कस्टमर गया आपके हाथ से, ठीक है, क्योंकि सर्विस बेस्ड बिजनेस है। 10 और भी लोगों ने प्रपोजल भेजा हुआ है, वो आपको मैसेज कर रहा है, आपका जवाब 10 मिनट में नहीं आएगा, वो क्या करेगा बैठा बैठा, वो दूसरों को मैसेज मारेगा जो बाकी और लोगों ने प्रपोजल किया हुआ है, उनको मैसेज मारेगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके कस्टमर से बातचीत स्टार्ट हो जानी चाहिए आपकी। अच्छा, अब मेरे पास जो है शायद 10 मिनट और हैं, तो मैं अब आप लोगों के ना क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करता हूँ। क्या मैं क्वेश्चंस ले सकता हूँ? व्हाट टाइम डू इफ़ वी गेट अ कॉन्फ्लिक्ट विद, हाँ, कस्टमर के साथ भाई आपका अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी भी सूरत में, तो अपवर्क और फाइवर जो है ना, ये प्लेटफॉर्म बने ही इसी वजह से हैं कि ये एस्क्रो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एस्क्रो प्लेटफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि ये प्लेटफॉर्म बीच में आ जाते हैं आपके पास, और ये प्लेटफॉर्म इस चीज़ को गारंटी करते हैं कि आप का पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है, आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, कैसे ही गारंटी करते हैं? गारंटी करने के ना इसमें 2-3 अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो फिक्स प्राइस होता है। अब ये वो वाली बात आ गई कि नो योर प्लेटफॉर्म, कि आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। अच्छा, उसको पता लगाने का तरीका क्या है? या तो कोई पेड कोर्सेज आप देखें जो फ्रीलांसिंग से मुताल्लिक है, जो आपको पूरा गो थ्रू कराए। फ्री भी बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, मैं भी इंशाल्लाह कुछ सोच रहा हूँ इस तरह के कोर्स करने का। तो प्लेटफॉर्म के बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। वेल, शॉर्ट आंसर इसका ये है कि वो एस्क्रो होता है। अगर आपका कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मिसाल के तौर आपने काम सही कर दिया, क्लाइंट कह रहा है काम सही नहीं किया, ठीक है, तो आप उसको डिस्प्यूट कर सकते हैं अपवर्क के, उसके ऊपर उनके कस्टमर सपोर्ट के बंदे आपके पास आ जाएंगे, वो दोनों में फिर सुलह सफाई कराएंगे। लेकिन आम तौर पे वो क्लाइंट का साथ देते हैं, वो आपका साथ नहीं देते। अच्छा, इन फ्यूचर व्हाट विल बी सम प्रॉफिटेबल नीशेस फॉर फ्रीलांसिंग अकॉर्डिंग टू यू? देखें जी, वेब डेवलपमेंट का बहुत अच्छा स्कोप अभी है, राइट नाउ। उसके अलावा मेरी जो अपनी स्पेशलिटी है, चैटबॉट और वॉइस एप्लीकेशंस है, तो इसका बहुत अच्छा स्कोप होने वाला है, अभी भी है और आगे और ज़्यादा होने वाला है। उसके अलावा ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन काफ़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, मैं खुद भी ब्लॉकचेन सीख रहा हूँ इन दिनों, ठीक है, तो बहुत जल्दी ब्लॉकचेन वगैरह के बारे में भी हम चीज़ें शुरू करने लगे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन जी, What to do if we are not getting orders? हाँ, orders अगर आपको नहीं मिल रहे हैं ना, तो या तो आपकी प्रोफाइल में कोई मसला है, या तो जो आप बिडिंग करते हैं उसके अंदर कोई मसला है, ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल सही बनी भी है, प्रोफाइल में क्या क्या होना चाहिए वो हम देख चुके हैं लोगों की, कि कोई भी ऐसा बंदा जो टॉप रेटेड है, अच्छे पैसे कमा रहा है, हज़ारों में डॉलर उसने कमाए हुए हैं, उसकी प्रोफाइल जाकर देखें उसने क्या लिखा हुआ है, वही आप भी लिख दें, ठीक है। अगर वो नहीं चल रहा तो इसका मतलब है उसमें कोई मसला है, या तो आप जो प्रपोज़ल भेजते हो उसमें कोई मसला है, ठीक है, या तो आपकी कॉम्पिटेंसी में कोई मसला है। देखें, फ्रीलांस जो है ना, एक मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। उसका रीज़न ये है कि आपको अपने कस्टमर को कन्वेंस करना होता है कि यार हाँ मैं कॉम्पिटेंट हूँ। वो कन्वेंस आप कैसे करेंगे? डिग्रियों से नहीं कर सकते आप, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ज़रिए ही होगा। अपवर्क से, फाइवर से, आपके जो पहले से आपने काम किया हुआ है वो आपको दिखाना होता है। तो आप हर प्रपोज़ल में अपने प्रोजेक्ट जो पहले से बनाए हुए हैं आपने, उनका जिक्र करें, ठीक है। और अगर आपको फिर भी ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो इसमें किसी एक चीज़ में कोई मसला है, तो किसी एक्सपर्ट से आप मिलें, रابطہ करें, उसको अपना प्रोफाइल आप दिखाएं, चेक कराएं, तो हो सकता है वो डायग्नोस करके बताए कि आपकी प्रोफाइल में या आपके प्रपोजल में क्या मसला है। जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं अब हम। हाउ डू यू मैनेज अनप्रिडिक्टेबल इनकम इन फ्रीलांसिंग? क्या बात है यार, दिल खुश कर दिया आपने ये सवाल पूछ के। देखें जी, फ्रीलांसिंग जो बिज़नेस है ना, उसके अंदर बहुत अनस्टेबल है। कोई गारंटी नहीं है कि आपको अभी अगर जॉब मिली हुई है तो अगले 6 महीने आपके पास एक भी जॉब ना हो, कोई गारंटी नहीं है इसकी। और आम तौर पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फ्रीलांस बिज़नेस में आम तौर पे पूरे साल में, जो एक पूरा ईयर होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, इसमें आम तौर पे एक एवरेज फ्रीलांसर जो है वो 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2 प्रोजेक्ट मिलते हैं आम तौर पे, ठीक है, पूरे साल में। तो अगर आप, अच्छा, छोटे छोटे जो टास्क होते हैं उनकी बात और है, 100-200 डॉलर वाले वो अलग हैं, वो तो चलते रहते हैं, लेकिन मैं बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो बाकायदा जिसको हम प्रोजेक्ट कह सकते हैं। अच्छा, तो आम तौर पे मेरा क्या तरीका है? अच्छा, ये सिर्फ फ्रीलांसिंग में नहीं है, ये हर बिज़नेस में भाई। मिठाई की दुकान भी ना, जब शादियों का सीज़न होता है या 12 रबीउल का सीज़न होता है, तो मिठाई की दुकान में बहुत सेल होती है। बाकी दिन तो ऐसी खाली पड़ी रहती है मिठाई की दुकान है, ठीक है। उसके अलावा आप
जो कैटरिंग के बिजनेस हैं, खाने शादी के खाने जो बनाते हैं कैटरिंग वाले, उनके भी शादी के मौसम में बहुत चलता है, वैसे खाली पड़ा रहता है। ठीक है, वो इंतज़ार करते हैं कि कोई मिलाद का टाइम आया तो हमसे कोई खाने पकवा ले। अच्छा, इसी तरह जो गाय भैंस वगैरह पालते हैं, उनका बकरीद में उनकी बहुत सेल होती है, लेकिन आम दिनों में कौन खरीदता है गाय? कभी खरीदते हैं आप? कसाई खरीदता है, वो भी इतने कि उसका एक दिन में जो बिक जाए। तो हर बिजनेस में एक टाइम ऐसा होता है जहाँ जब इसकी सेल ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस टाइम जो आप पैसे कमाते हैं, अगर वो सारे आपने ख़त्म कर दिए किसी भी बिजनेस में, सिर्फ फ्रीलांसिंग की बात नहीं है, तो बाकी साल आप क्या करेंगे? जो किसान होता है ना, जब किसान फसल कटती है तो उसके पास 30-35 लाख रुपए आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मसला ये, वो 30-35 लाख उसने पूरे साल चलाने होते हैं। उसमें फिर उसने ट्रैक्टर को भी अपग्रेड करना है, जाहिर है हर साल इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं उनको, जो फिर बीज भी खरीदने पड़ते हैं, खाद भी। अब खाद 4-5 लाख तो उसके खाद में चले जाते हैं सिर्फ, तो सब चीज़ें खरीदनी होती हैं। तो अगर उसने बोला कि यार 35 लाख आ गई है मेरे पास, मैं निकालता हूँ एक जाके अभी यारिस नई 2020 मॉडल, ठीक है ना, तो वो पूरे 35 उसमें चले जाएंगे, पूरा साल फिर भूखा रहेगा वो। तो आम तौर पे तरीका क्या होता है कि आप अपनी एक सैलरी फिक्स करें, फिक्स। आपको ये ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि जो पैसे आते जा रहे हैं आप उसको उड़ाते जाएं। आप अपनी एक सैलरी फिक्स करें और उतने ही पैसे आप विड्रॉ करें, बाकी पैसे आप रिज़र्व रखें। एक ऐसा बैंक अकाउंट बनाएं आप जिस जो रिज़र्व बैंक अकाउंट हो आपका, ठीक है, वो उसका आप हर वक्त पैसे ना निकालते रहें उससे। और मिसाल के तौर पर आप अगर 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो आप 40% से ज़्यादा खर्च ना करें। ठीक है, क्योंकि आपने अगर साल में 2 प्रोजेक्ट किए हैं, तो आप ये इमेजन रखें जहन में कि वो पैसे पूरे साल आपने चलाने हैं। अच्छा, क्या ये टॉप रेटेड? जी, अगला सवाल, हाउ टू कम इन टॉप रेट सर्च इन फाइवर। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। उसके लिए यार एक एक्सटेंशन लोग आमतौर पर करते हैं, ऑटो रीलोडर, वो गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है, वो हर थोड़ी देर पेज को रीलोड करता है। तो कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि वो करने से ना प्रोफाइल ऊपर आ जाती है। ठीक है, अच्छा, मैंने एक दो दफ़ा ट्राई भी किया, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, कुछ लोगों को लगता है होता है। ठीक है, वेल, सर्च में आने की बात यह है कि आप जितनी देर एक्टिव रहते हैं ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उनका अपना एक एल्गोरिथम होता है, वो आपको ना एक्टिविटी के बेस पे ऊपर ले आता है, फिर रेटिंग के बेस पे भी ऊपर लाता है, फिर कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं, अगर आपने अच्छे कीवर्ड लिखे हुए तो भी ऊपर आता है। वेल, अभी एक डिटेल बात है, ये मैं जाहिर है शॉर्ट आंसर दे रहा हूँ आपको मैं, कि कुछ लोग एक ऑटो रिलोडर की ऐप यूज़ करते हैं, कुछ लोगों को लगता है उससे फ़ायदा है, लेकिन वेल, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड कर रहा होता है मेरे ख्याल में। वट हैपन्स इफ़ वी आर अनेबल टू कम्प्लीट ऑर्डर। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, अब देखें, अगर आपने ऑर्डर कम्प्लीट नहीं किया ना, दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं अपवर्क के ऊपर। नंबर एक ये होता है आवरली, जो होता है आवरली में, तो ये होता है कि आपको वो डेली बेसिस पे टास्क दे रहा होता है, वो आप कर रहे होते हैं, आपको पैसे मिल रहे होते हैं, तो ये आवरली होता है। आवरली में अगर कभी भी आपका उससे लड़ाई झगड़ा हो गया ना, कुछ हो गया, तो जाहिर है जो काम आप कर चुके हैं वो तो हो गया ना, अब वो कह रहा है भाई आगे आपसे काम नहीं कराऊंगा, तो एक तो ये सिचुएशन है। अच्छा, इसमें जब जॉब क्लोज होती है तो वो आपको रेटिंग देता है। ठीक है, जो पैसे आ गए आपके पास, वो क्योंकि आवरली जॉब में वीकली पैसे आ रहे होते हैं, हर हफ्ते आप विड्रॉ कर सकते हैं पैसे ना, मतलब अपने पास ला सकते हैं, उस क्लाइंट से ले सकते हैं, तो एक तो ये सिचुएशन है। दूसरा होता है फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस वाला जो तरीका है, उसमें ये होता है कि जब तक आप अपना ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर लेते पूरा, जो बनाने के लिए दिया है वो जब तक आप बना नहीं लेते, आपको पैसे मिलते ही नहीं है। ठीक है, दोनों सूरतों में, पहले तो फिक्स प्राइस की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने काम पकड़ लिया, आपसे काम नहीं हो रहा, ठीक है, तो अब आप कस्टमर को बोलते हैं भाई काम नहीं हो रहा, ठीक है, वो ऑर्डर को कैंसिल करेगा, और ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से क्या होता है कि आपका जॉब सक्सेस स्कोर नीचे आ जाता है। ठीक है, जॉब सक्सेस स्कोर आपका नीचे आता है कि भाई इस बंदे ने एक जॉब पकड़ी थी, वो इससे कंप्लीट नहीं हुई। आप जब मैं गो थ्रू कर रहा था प्रोफाइल, तो आपने देखा होगा कि जॉब सक्सेस स्कोर दिख रहा था कुछ जगहों पे, 97%, 98%। ठीक है, तो वो जब ज़्यादा आपका जॉब सक्सेस स्कोर नीचे आता है ना, तो फिर क्लाइंट्स आपके रिलक्टेंट होते हैं कि अच्छा यार ये काम पकड़ लेता है, होता होता इससे है नहीं। अच्छा, ऑन अदर हैंड, अब इसमें तो ये है ना कि वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, कोई रेटिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आवरली जॉब में बड़ा खतरनाक मामला है। आपकी उससे हो गई ये लड़ाई किसी भी बात पे, झगड़ गए, मतलब मैं अपनी अगर बात करूँ, मेरे से अगर क्लाइंट ना ऊंची आवाज़ में बात कर लेना अगर, तो फिर मैं उसके साथ काम नहीं करता। अच्छा, आमतौर पे गोरे ऐसे होते नहीं हैं, गोरे बड़े फ्रेंडली होते हैं, वो आपसे प्यार मोहब्बत से ही बात करते हैं हमेशा, आपसे कोई गलती भी अगर हो जाए तो वो प्यार मोहब्बत से करते हैं। अच्छा, फिर एक्सेप्ट भी करनी चाहिए ना, मतलब मेरे से अगर कोई मिस्टेक हुई है तो मैं एक्सेप्ट भी करूँ ना फिर, कि हाँ यार ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, आई एम सॉरी, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अब इसको ओवरकम करने की। ठीक है, बस मतलब मेरे पे भी ये नहीं है कि मैं सामने से चौड़ा हूँ कि यार चल भाई जा नहीं कर रहा, मतलब ये वाली सिचुएशन भी ना फिर सामने से ख़राब होती है बात। तो
अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप पहली बात तो एक्सेप्ट करें, लेकिन सामने से किसी की ना गलत बात बर्दाश्त नहीं करनी है। मैं भी नहीं करता, आप भी नहीं करें। अगर आपसे कोई टोन, अभी रिसेंटली बल्कि हुआ था, एक सऊदी क्लाइंट था, तो उससे उसने मतलब कुछ काम वाम दिया, उसने कहा यार क्या मसला है, काम वाम क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा यार आप ना अपना टोन सही करें पहले, उसके बाद आपका काम होगा, ठीक है। और उसी दिन मैंने उसको फायर किया। मैंने कहा ठीक है भाई, पैसे उसके पास, मेरे पैसे भी बाकी थे कुछ, ठीक है, उसने कुछ पैसे देने थे मुझे, पिछले माइलस्टोन के पैसे भी नहीं दिए थे उसने। तो मैंने कहा भाई आप अपना पहले टोन सही करें, फिर आपसे काम होगा, आप अपने पैसे भी रख लें और आप अपना काम भी अपने पास रखें, मैं आपके लिए काम ही नहीं करूँगा। तो मतलब थोड़ा आपका भी ना इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये नहीं कि किसी के जूते के अंदर घुस गया आपके, यार चल भाई तू ही खुदा है, तू ही काम देगा, तू ही पैसे देगा तो मैं खाऊंगा, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा, ठीक है। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप देखो, जो बंदा कॉम्पिटेंट होगा ना, जिसके अंदर दम होगा, वो किसी से दबेगा नहीं, ठीक है। तो दबने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। तो लेकिन अच्छा, मैं बताते बताते रह गया, आवरली जॉब में अगर आपसे मामलात ख़राब होते हैं तो उसका एक ही हल है कि जितने पैसे आपने अभी तक उससे लिए ना, वो सारे रिफंड मारें आप एक ही झटके में, ठीक है। अब वो आपके $1,000 भी हो सकते हैं, 2,000 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, $10,000 को रिफंड मारना ना बहुत जिगरे की बात है, ठीक है। आप कन्वर्जन मार के देख लीजिएगा, $10,000 तकरीबन 2,000,000 बनते हैं। तो एक ही हल है उसकी रेटिंग से बचने का, अदरवाइज़ वो रेटिंग ख़राब करेगा, फिर आप वो हटा नहीं सकते, कोई उसका हल नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते आप। अच्छा, फ्रीलांस हैव टू पे टैक्स, जी भाई टैक्स पे करना पड़ता है, बिल्कुल पे करना पड़ता है। ये लॉलीपॉप दिया हुआ है कि टैक्स फ्री है फ्रीलांसिंग और ये वो, बेवकूफ़ी की बात है, कोई टैक्स फ्री नहीं है, ठीक है। टैक्स, अब ये भी मैं टॉपिक पर बात करना चाह रहा था कि टैक्सेस एंड हैंडलिंग कैश, ये भी इस टॉपिक पर भी मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन अब ज़रा सा टाइम शॉर्ट है, लेकिन इस बारे में बात नहीं कर पाऊँगा। वेल, टैक्स जो स्टैंडर्ड है 17%, वो पाकिस्तानियों को पे करना पड़ता है, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके अकाउंट में जो पैसा गिर रहा है बाहर से आके, कहीं से भी आके, उस पैसे के आपको टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, अगर आपको टैक्स से बचना है अगर, तो वो SECP करके ना, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन जो है, उससे आपको ना रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बड़ा लंबा चौड़ा है, तो वो मैंने तो अभी तक नहीं करवाई। मैंने अच्छा, मैं पाकिस्तान में पैसे ला ही नहीं रहा, ठीक है ना, मेरे जो बाहर बैंक अकाउंट है उसी में पैसे होते हैं, जितने की मुझे ज़रूरत होती है उतने ही लाता हूँ, खर्च करता हूँ, और जितने यहाँ के बैंक में मेरे आके पैसे डिपॉजिट होते हैं उसका टैक्स मैं देता हूँ पूरा 17% जो है स्टैंडर्ड, ठीक है। बाकी पैसे मैं लाता ही नहीं उधर, क्योंकि यहाँ पे अभी आप देखें ना यार, कितना डीवैल्यू हो गया रुपया मेरा। मतलब अगर मैं यहाँ के, अगर पाकिस्तानी करेंसी में मैंने वो पैसे सेव किए हुए होते तो मेरा पैसा आधा हो चुका था अभी। मतलब जो $500 थे मेरे, वो अब 250 हो गए। जो $1,000 थे वो मेरे 500, क्योंकि डॉलर बिल्कुल डबल हो गया ना अभी, मतलब 170 से डायरेक्ट 210 पे पहुंचा हुआ है, मतलब 210 तो नहीं, शायद 205 पे पहुंचा हुआ है। वेल, तो टैक्स बिल्कुल पे करना पड़ता है जी। अगला सवाल, अच्छा जी, और कोई अगर सवाल नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। आवाज़ तो कुछ आ रही है लेकिन सही से समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। चले जी, मेरा ख्याल है कि अब हम सेशन को ख़त्म करते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। बाय बाय।